देखे स्वयं को एक चमकती लाइट सितारा। मेरी आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की दाता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप शांत शक्तिशाली हो गया है। सभी विशेष हमारे मेहमानों का हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है साथ साथ हम सभी के बीच में हम सब के प्यारे आदरणीय शिवानी देव जी का भी हम सब दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी की ओर से मैं निवेदन करती हूँ हमारे मेहमानों को, जो इस दिव्य गुणों से खुशबूदार परमात्मा के चैतन्य पुष्प का स्वागत पुष्पों के द्वारा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले हमारे जाने माने एडवोकेट प्रतीक भाई जानी, हमारे आदरणीय अरुण सिंह जी भाई, आप चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, साथ साथ हमारे अभय भाई फुलफगर जी आकर के शिवानी दीदी का पुष्पों के द्वारा वेलकम करेंगे हम सब की ओर से। और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा पिता के द्वारा मिल रहा है, शिवानी बहन इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके सारे विश्व में इस ज्ञान की खुशबू को फैला रही है। प्रैक्टिकल जीवन में इन मूल्यों को कैसे अपनाएं? कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भाई घर गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लाएं, कैसे इतना दिव्य जीवन हम बना सकें। तो आप
इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जिसके अनुभव युक्त बोल को सुनकर सब ये महसूस करते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं, होता है ना ऐसे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल धारणाओं का प्रभाव है। हम सभी आज बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं, लॉकडाउन भी हुआ और उसके बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस के बीच में आज सारा संसार पसार हो रहा है। एक एक व्यक्तिगत अपने जीवन के आधार से भी अनुभव करते हैं। तो ऐसे माहौल में आज हम सबके बीच में शिवानी बहन जी आई है कुछ एक ऐसे डिवाइन इंसाइट्स को लेकर, जो आज आप न सिर्फ सुनेंगे लेकिन अनुभव करेंगे। और इस अनुभूति को अपने साथ आप ऐसे लेकर जाएंगे कि आपके द्वारा अनेकों तक ये अवेयरनेस आ जाए। यहाँ तो बहुत लिमिटेड सीट्स में आप सभी बैठे हो, लेकिन ऑनलाइन भी अनेक लोग जुड़े हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि आप प्रैक्टिकल अभी उसका एक्सपीरियंस करके जो अपने परिवार में जाएंगे, एक दीपक जग जाता है तो एक से अनेक जग जाते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज का हमारा कार्यक्रम ऐसा सफल कार्यक्रम रहेगा कि सारी आत्माएं जो यहाँ पर हैं सभी एनलाइटन होकर अनेकों के जीवन में रोशनी लाएगी। इसी शुभ भावना के साथ ज़्यादा समय न लेकर हम शिवानी बहन जी को सुनेंगे, अनुभव करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में डॉक्टर बसेस गाला, चेयरमैन ऑफ 39 सॉल्यूशंस ग्रुप। बसेस भाई भी अपने जीवन में काफ़ी समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं। ही इज MBA गोल्ड मेडलिस्ट, IT इंजीनियर एंड ही इज फोर्ब्स इंडिया आइकॉन, टेडेक्स स्पीकर एंड ब्रेवो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मैं बसेस भाई से निवेदन करूंगी कि शिवानी बहन का इंट्रोडक्शन देकर अपने अनुभव को भी सार स्वरूप में हमारे सामने रखेंगे। बसेस भाई। ओम शांति, नमस्ते। BK शिवानी बहन जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। इनका इंट्रोडक्शन में एक छोटा पर्सनल एग्जांपल से शेयर करूंगा। 96 से हम ब्रह्म कुमारी से जुड़े थे, जब हम अभी छोटे बच्चे थे, और स्कूल और कॉलेज में लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या स्पिरिचुअलिटी, क्या मेडिटेशन, ये तो 60s 70s के बाद होता है। लेकिन अचानक 2007 के बाद स्पिरिचुअलिटी बिकेम कूल, स्पिरिचुअलिटी बिकेम वाओ, एंड वन ऑफ द चैम्पियंस फॉर दिस BK शिवानी बहन जी थी। उनका प्रोग्राम आता था अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी एंड राजयोगा मेडिटेशन, और वो प्रोग्राम यूथ को कनेक्ट किया कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस है, हमारे लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है, उन्हें हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करें, ग्रो करें। तो तब से स्पिरिचुअलिटी बिकेम वाव एंड कूल, और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो ये है इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये डे वन या डे जीरो से ही अपने कल्चर में आना चाहिए। BK शिवानी बहन जी का अगर मैं एकेडमिक इंट्रोडक्शन दूँ तो पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और उन्होंने प्रोफेशनल करियर में सॉफ्टवेयर का भी काम किया है, IT इंडस्ट्री में भी काम किया है। लास्ट 25 ईयर्स से राजयोगा मेडिटेशन सिखा रहे हैं। आज ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, नॉलेज देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, अपने लाइफ में आचरण करना, अपने अंदर पर्सनालिटी और के अंदर वो वाइब्रेशन लाके लोगों को टच करना, ये एक रेयर अचीवमेंट है जो मैं पर्सनली मानता हूँ शिवानी बहन जी ने सिद्ध किया है। आज भी जब व्हाट्सएप पे मेरे DP में अगर हम सुप्रीम सोल का फोटो में डालता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये शायद ब्रह्म कुमारी का है, और इसका इंट्रोडक्शन हमको शिवानी बहन जी से मिला है। तो दैट हैज बीन अ ग्रेट मैसेज।
इनके काफी अचीवमेंट्स कुछ मैं कहना चाहूंगा कि अशोक कैंस लेडीज लीग ने उन्हें वुमन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड दिया है। वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन ने गुडविल एम्बेसडर का रोल उन्हें ऑनर दिया है। मार्च 2019 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस कैन गो ऑन, लेकिन मेरे हिसाब से इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो खुद शिवानी बेन जी खुद हमको थोड़ी देर पहले कहा उन्होंने कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है, कि शी इज बीन एन इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। काफी लोग जब मुझे मिलते हैं या राम देवी सेंटर आते हैं या ब्रह्म कुमारी इसके आबू या कोई सेंटर में आते, तो कहते हैं कि हमारे लाइफ में जो चैलेंज है वो जब हम यूट्यूब पे या व्हाट्सएप या और कोई माध्यम पे शिवानी बेन जी का क्लिप देखते हैं तो हमें उसका सिंपल इफेक्टिव रेलिवेंट सोल्यूशन मिलता है, तो जरूर कोई शक्ति है। देयर इज डेफिनेटली सम सुप्रीम सोल, सम एनर्जी, सम कॉस्मिक एनर्जी विच इज वर्किंग, और हमें ये जानना है। तो इन लास्ट आई कंक्लूड के शिवानी बेन जी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कैंडल है जो अंधकार को मिटा के ज्ञान की रोशनी स्प्रेड कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम साइलेंस में सिंगल हैंड से सब लाइक एन एंजल इनका स्वागत करें। एंड ओवर टू शिवानी बेन जी फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू। हम सुनेंगे दीदी ने कहा कि हम सब अपना दीप जगाकर अनेकों का दीप जगाएंगे। भैया ने कहा हम सब एंजल बनकर हाथ उठाएंगे। कैसे लगते हैं ऐसे वर्ड्स सुनते हुए? सुनने में कैसा लगता है कि हम एंजल हैं, हम वो दीपक हैं जो अनेकों का दीपक जलाएंगे। आप रेडी हैं अनेकों का दीपक जलाने के लिए? रेडी हैं? कौन चाहता है कि मेरा जीवन ऐसा हो? हम सब अपने जीवन में गोल्स रखते हैं ना कि ये बनना है, ये करना है, पर कौन अपनी लाइफ में ऐसा गोल रखने के लिए रेडी है कि हम अनेकों का दीपक जलाएं? अनेकों का दीपक जलाने का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है कि अनेकों को सुख का अनुभव कराए, शांति का अनुभव कराए, जैसे काइंडनेस हम सब के अंदर है, कंपैशन हम सब के अंदर है। अगर आपको कोई दिखाई देता है जिसके पास खाने को नहीं है तो आपका मन करता है ना उसको खाना देने का? यस, इसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ता है। इट कम्स नेचुरल। तो काइंडनेस हमारा नेचुरल संस्कार है। कोई आपको दिखे कि वो चल नहीं पा रहे हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उनको रोड क्रॉस करने में मदद करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। करके क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमारी मदद करें? एनी एक्सपेक्टेशन? नहीं। तो काइंडनेस हमेशा निस्वार्थ होती है। काइंडनेस हमेशा निस्वार्थ होती है। निस्वार्थ मतलब स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए उसमें। किया और याद भी नहीं रहा कि किया। जिसको करने के बाद याद ही न रहे कि किया, एक्चुअली उसने किया नहीं था,
परमात्मा ने उससे करवाया था। और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर लोग कहते हैं कि वो हमारे जीवन में ना फरिश्ता बनकर आए थे, फरिश्ता बनकर आए किया उड़ गए। तो जब हम पिक्चर्स में एंजल्स को देखते हैं तो एंजल के पिक्चर में एंजल कैसे दिखाई देता है, कैसे होता है एंजल, कलर कौन सा होता है एंजल का, कलर कौन सा दिखाते हैं फोटोज में, वाइट दिखाते हैं। और उनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। कभी हमने देखा किसी को हवा में उड़ते हुए ऐसे वाइट कलर का, नहीं देखा। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि एंजल वाइट होता है और एंजल के पास विंग्स होते हैं। आप सब एंजल बनना चाहते हैं? मुझे लग ही नहीं रहा इतना। आप सब एंजल बनना चाहते हैं? उसके लिए दो चीजें बनना पड़ेगा, एक वाइट और दूसरा फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब लाइट। आज ऑपोजिट होता है, कहते बहुत बोझ है, सर बहुत भारी है। जिसका सर भारी होता है मतलब वो लाइट का ऑपोजिट है। और फिर सर भारी खत्म करने के लिए हम चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय कॉफी। फिर जब चाय कॉफी असर करना बंद कर देती है कुछ और, फिर जब वो कुछ और भी असर करना बंद कर देता है तो कुछ और, तो कुछ और, तो कुछ और। बट एंजल हमेशा लाइट होता है, और लाइट होने के लिए पहले वाइट बनना पड़ता है। तो जो वाइट होगा वो लाइट होगा। वाइट मतलब प्योरिटी, आत्मा प्योर। जब यहाँ कुछ नेगेटिव सोच सोच के दाग पड़ जाते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है। कभी भी देखो, आपको कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन अंदर माइंड में चल रहा है, या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में चल रहा है, नेगेटिव बातें जब हम सोचते हैं, नेगेटिव मतलब कोई चैलेंज आया, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, होगा, इसने क्यों किया, उसने, सोच 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 बहुत सारी सोच, और उसकी एनर्जी हैवी होती है और नंबर बहुत ज़्यादा होता है वो थॉट्स का, तो वो वाइट का ऑपोजिट हो गया, हैवी एनर्जी हो गई। तो जैसे हम हैवी थॉट्स क्रिएट करते हैं, एनर्जी डेंस हो जाती है बहुत, तो सर भारी लगता है। और जब सर भारी लगता है तो हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि भारी चीज़ क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो हम अपनी स्थिति में क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और जब हम इतने भारी हो जाते हैं तो हम दूसरों को सुख और शक्ति कैसे देंगे। हम चीजें दे सकते हैं लेकिन हम सुख और शक्ति की अनुभूति कैसे कराएंगे किसी को, क्योंकि हमारे पास ही उस टाइम वो नहीं है। हम दे दूसरों को वो सकते हैं जो हमारे पास। अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो किसी को पढ़ा सकता है, किसी का हीमोग्लोबिन अच्छा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर कोई चाहे कि वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनका खुद का हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो डॉक्टर उनको डोनेट नहीं करने देता है। मतलब आपका ही अच्छा नहीं है, अभी आप दूसरे को कैसे देंगे। तो इवन अगर मेरे पास इच्छा है दूसरों को देने की कुछ, आई कैन नॉट गिव टिल आई डोंट हैव इट। अगर किसी को धन से सेवा करनी है तो उसके पास धन होना चाहिए, किसी को फिजिकली कुछ सेवा करनी है तो उसकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो आई कैन ओनली गिव दैट व्हाट आई हैव। सो फर्स्ट आई शुड हैव एंड देन आई कैन गिव। इस समय दुनिया में सबको क्या चाहिए, किसी से भी घर में ऐसा टैप करके पूछो लाइफ में क्या चाहिए, फिर बोलेगा ये चाहिए, ये चाहिए। बोलो ये भी क्यों चाहिए, बोलेगा इसलिए चाहिए। फिर पूछो ये इसलिए भी क्यों चाहिए, पूछते पूछते जाना कोर क्या निकल के आएगा, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपके शहर में लोगों को, क्या चाहिए। आजकल शहर नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ,
It's the same everywhere. मौसम ही वो चल रहा है, इसीलिए इस युग को क्या कहते हैं? तो कलयुग इज ऑपोजिट ऑफ वाइट. कलयुग मतलब काला रंग हो गया. काला रंग मतलब माय हैवी एनर्जी, कोई रंग तो है नहीं. तो जब युग कलयुग हो गया तब भी हमने कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे वो कलयुग और कलयुग हो गया. आपको लगता है पिछले 10 साल में कलयुग और घोर कलयुग हुआ? किसको लगता है पिछले 5 साल में घोर कलयुग और घोर कलयुग हुआ? बाहर के हिसाब से तो स्वर्ग बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी चमक चमक चमक. सो आउटर वर्ल्ड इज लाइक हेवन, बट इनर वर्ल्ड इज लाइक, इट्स लाइक, आजकल लोग बोलते हैं लाइफ इज बिकम हेल, खुद ही बोल देते हैं. कल सेंटर पर एक भाई आए, बहुत स्वीटली वो डिस्क्राइब कर रहे थे, कहते हैं आजकल क्या होता है, हम सुबह सुबह चाय पी रहे होते हैं, कहते हैं लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, आई एम नॉट हैप्पी, चलो हम रिजॉर्ट में चलते हैं, बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के. कहते उठते हैं, बारिश अच्छी मौसम है, खंडाला चले जाते हैं, फिर रहते हैं वहाँ एक दिन, कहते मज़ा नहीं आ रहा, महाबलेश्वर चलते हैं, शायद वहाँ की बारिश ज़्यादा अच्छी होगी. ही वॉज ओनली शेयरिंग अबाउट दैट. एंड देन ही सेड वहाँ जाते फिर कहते बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, घर चलते हैं. फिर घर पहुँचते कहते घर ही बहुत अच्छा है, अगले दिन कहते हैं मन नहीं लग रहा है. वाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस. तो हमने काफ़ी साल इस तरह से बिताए ये सोच सोच के कि जगह खुशी देगी, चीज़ें खुशी देंगे, लोग खुशी देंगे, अचीवमेंट्स खुशी देंगे, फिर हम चीज़ें खरीदेंगे. तो हम वो वाली जनरेशन है जिसने अपने एक जीवन काल में इतना कुछ खरीदा है. हमारे पेरेंट्स ने पूरे जीवन में उतना नहीं खरीदा होगा जितने हमने खरीदा, राइट और रॉन्ग? एंड सब कुछ जब हम खरीद रहे थे तो हमने सोचा ये आ जाएगा तो हमारे जीवन में, ये आ जाएगा तो हमारे जीवन. अब क्या है, अब खरीदने को भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, घूमने जाने को कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि हमने सारी कंट्रीज भी टिक कर दी है, सारे शहर तो खत्म. फिर कोई कहता है मून पे जाएंगे, तो कोई कहता है कोई और प्लैनेट पे भी जाएंगे, अभी वो मार्जिन, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो गया ना हमारा पूरा. जब तक नहीं होता ना पूरा तो एक वो रहता है, वहाँ जाएंगे ना तो मज़ा आएगा, वो करेंगे ना तो मज़ा आएगा, वो लाएंगे तो मज़ा आएगा. सो वी हैड दैट होप कि ये करने से मज़ा आएगा, ये करने से मज़ा आएगा, ये करने से आएगा. बट वेन यू डू इट ऑलमोस्ट ऑल, वेन यू गो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेन यू बाय एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल, देन द सोल सेज नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, क्योंकि सब कुछ आ गया लेकिन अंदर तो वो खालीपन भरने की बजाय वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था. इसका मतलब ये नहीं है कि घूमने जाने से या पैसा कमाने से हम कोई खाली हो जाते हैं, नो नॉट एट ऑल, हम बहुत भरपूर हो जाते हैं बाहर, क्योंकि वो चीज़ें बनाई गई हैं बाहर की भरपूरता के लिए. तो हम में से बहुत होंगे जब हम बड़े हो रहे थे, हमने धीरे धीरे पहला साइकिल खरीदा, फिर पहला स्कूटर, पहला फोन, पहला, मज़ा आता था ना एक एक नई नई चीज़ खरीदने में. अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सब कुछ ऑलरेडी देर, इसीलिए इफ यू सी द चिल्ड्रन टुडे दे गेट बोर्ड वेरी इजीली, दे वांट टू डू नाउ नेक्स्ट. हम जब स्कूल में थे छुट्टियाँ थी 2 महीने, बैठे खाली ऐसा 2 महीने, बोलते थे मम्मी को हम बोर हो रहे हैं, तो कहती बोर हूँ मैं क्या करूँ, तुम्हारी छुट्टी करो जो करना है. अभी तो 2 महीने पहले से पेरेंट प्लान कर लेता है कि ये 2 महीने इस बच्चे को बिजी कैसे रखना है. व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट सिट विद देम ओन सेल्फ. हमेशा किसी ना किसी चीज के अंदर अपने माइंड को इंगेज रखना है, खाली कैसे बैठेंगे, खाली बैठते नहीं हम अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते खाली. जैसे ही बैठेंगे माइंड में कोई ना कोई थॉट्स आने लग जाएंगे, और फिर उन थॉट्स से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ के साथ अपने आप को इंगेज कर लेंगे.
आप में से लास्ट कब आधा घंटा खाली बैठा था, डूइंग नथिंग, डू नथिंग बट नो रीडिंग, नो स्पीकिंग, नो वॉचिंग, नथिंग, जस्ट बैठिए, आज करके देखिएगा। थोड़ी देर तो विड्रॉल सिम्टम होगा पहले, क्योंकि ये सामने पड़ा होगा खिलौना, इन खिलौनों ने हमें डिस्ट्रैक्टेड जीवन जीने सिखा दिया है। पहले तो हम बहुत खाली बैठते थे, सोचो फ्लाइट में बैठना है 2 घंटे, कुछ करने को नहीं है, खाली बैठना है। अब हम कभी खाली नहीं बैठते हैं। कभी आप रोड में चेक करेंगे ना, लोग गाड़ी में हैं, अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो फोन तो नहीं देख सकते ना जब खुद गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन रेड सिग्नल तो आता है ना बीच बीच में। जस्ट वॉच द रोड इज द बेस्ट प्लेस टू सी द स्टेट ऑफ सोसाइटी। चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, इतना माइंड चलता है, कैसे ऐसे ऐसे चैटर हो रहा होता है। जैसे रेड सिग्नल आएगा ना 30 सेकेंड्स का, फटाफट अपने मैसेजेस चेक करते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट वी हैव गॉन टू, दैट वी जस्ट कैन नॉट sit still. Now this is a sign that the mind is always, और फिर हम कहते हैं overthinking बहुत हो रही है, मन सोचना ही बंद नहीं करता है। जब ऐसा मन हो जाता है तो ये मन थोड़ा सा थक जाता है, और थका हुआ मन के पास ताकत नहीं होती है कि वो जीवन की सिचुएशंस में क्या करें, पावरफुल रह पाए। तो फिर हमने ऐसा समाज बोलना शुरू कर दिया, स्ट्रेस इज नॉर्मल। आपको लगता है स्ट्रेस इज नॉर्मल? थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन था, सेंटर पर लोग आते हैं रक्षाबंधन के लिए, तो हमने सबको एक स्लिप दी थी, क्योंकि राखी बांध के गिफ्ट तो देनी चाहिए ना, तो एक स्लिप दी थी कि आपको कोई एक चीज का आज वो करना है और बॉक्स में डालना है। तो एक 5 साल का बच्चा आया था, वेरी वेरी वेल टू डू फैमिली, एवरीथिंग भरपूर, तो ही सेड इसका मुझे क्या करना है? अच्छा, आपको एक चीज लिखनी है, इस पे आपको इसमें डालना है, क्या लिखेंगे, आपको क्या छोड़ना है? तो कहता है स्ट्रेस। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेड आपको स्ट्रेस का मीनिंग भी नहीं पता, स्ट्रेस क्या होता है? नहीं, मेरे को स्ट्रेस छोड़ना है। अच्छा, आपको क्या चाहिए, क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है? कहता मेरे को यहाँ पे रिलैक्स्ड रहना है। तब मुझे समझ में आया उसको तो मीनिंग पता है। आई रियली थॉट ही डजंट नो द मीनिंग, आई थॉट ही जस्ट पिकिंग अप द वर्ड फ्रॉम पीपल अराउंड हिम। ही सेड मुझे यहाँ रिलैक्स्ड रहना है। उसने पेन लिया, इतना बड़ा नो लिखा कैपिटल में, और फिर नीचे लिखा नो स्ट्रेस, और बॉक्स में डाल दिया। दिस इज अ 5-year-old चाइल्ड हुज फैमिली हैज एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, एंड इट्स अ वेरी लवली फैमिली। ऐसा नहीं कि फैमिली में कोई ये सब चल रहा है, वेरी ब्यूटिफुल। इट्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द चाइल्ड। अब 5 साल की एज में क्या प्रेशर, क्या सिचुएशन, क्या चैलेंज, कुछ नहीं है। चाइल्ड साइकाइट्री आ चुके हैं हमारे देश के अंदर, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, जो बच्चों के अंदर की डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब चीजों को करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सबको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, क्या चाहिए? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास आजकल। द अदर डे रिट्रीट सेंटर पे एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट आए, सर आपके पास कौन सी एज में बच्चे आते हैं? कहते 1 month। I said what? He said yeah, 1 month also is so hyper. I said कैसे, ऐसे क्यों हो गया? कहता आप बताओ हमें क्या बताओ, हमारे पास तो आते हैं, हमें तो इलाज कराना है। तो इसके दो रीजन है क्यों बच्चे बहुत छोटी एज से ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके दो रीजन बनते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चा मतलब क्या, बच्चा मतलब क्या, बच्चा मतलब अ सोल इन अ कॉस्ट्यूम ऑफ 5-year-old बॉडी। ठीक है, तो मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूँ,
मैं कहती हूँ स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यहाँ से मैंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ के माँ के गर्भ में एंटर कर गया। अब आप मेरी जर्नी देखते जाना। हाँ, अभी पहले इस शरीर में है, स्ट्रेस, जेलेसी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये सब नॉर्मल नॉर्मल जीते जीते एक सेकेंड में शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में प्रवेश किया। वो माता पिता भी कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, तो वो बच्चा गर्भ में है और गर्भ पे पेरेंट के संस्कारों का असर पड़ रहा है और पेरेंट भी कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, मतलब वो जीवन में उन इमोशंस को जीता है। तो पहले वो आत्मा वो संस्कार लेकर गए, फिर वो 9 months जब संस्कारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो पेरेंट भी क्या कर रहा था, वही संस्कार क्रिएट कर रहा था। हम सब जब पैदा हुए थे तो हमारे पे मदर को कहा जाता था श्री कृष्ण की फोटो देखो वैसा बच्चा है, कहा होता था या नहीं होता था? आजकल मदर किसकी फोटो देखते हैं? फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे कैसे हो गए, तो मदर के पास तो ऐसे फोटो, ऐसे ऐसे, पहले मदर के पास एक ही फोटो थी सामने टंगी हुई है, यहाँ तो हर सेकंड फोटो बदल रही है। एंड ड्यूरिंग दोज 9 months भी वो इतनी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं वो इमोशन, तो वो बच्चे पे कितना असर होगा उसका। तो वो बच्चा बड़ा होके नहीं, बचपन से ही हाइपर होता है। हमें पहले बोल दो बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, उठो तो चलो, अभी तो एक जगह नहीं बैठते, जंपिंग अराउंड एवरीवेयर। एंड अगर आज कोई जंपिंग अराउंड नहीं कर रहा कहता आपका बच्चा बड़ा नॉर्मल है, एक ही जगह बैठा हुआ है, ये कैसा बच्चा है? तो हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज्ड। अगर आप आज बाहर जाओ किसी को बोलो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, कहते बड़े अबनॉर्मल हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां अनकंफर्टेबल चीजों को नॉर्मल कह दिया है। तो इसका मतलब वी शुड बी वेरी अवेयर कि इतने थोड़े से सालों में, हिस्ट्री तो है नहीं है, ये अपने जीवन काल की बातें हैं, इतने सालों में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम अभी भी कुछ चेंज नहीं लाएंगे अपने जीवन में तो और 5 साल तक हम कहाँ पहुंच जाएंगे? स्ट्रेस वर्ड जब शुरू हुआ था ना, अगर हमने तभी कुछ चेंज कर लिया होता वहीं का वहीं खत्म हो जाता, लेकिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आजकल स्ट्रेस नहीं बोलते, कहते हैं वेरी डिप्रेस्ड, द वेदर इज ऑल्सो वेरी डिप्रेसिव टुडे, आई नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, ऐसे बोलते हैं दूसरे, आई नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। पहले हमारे जमाने में तो देखने भी जाते थे तो बताते नहीं थे किसी को कि आई एम गोइंग टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू गो टू, इट्स अ वेरी वेरी फास्ट चेंज, इट इज गोइंग टू बी सो फास्ट कि ये हमारे हाथ से स्लिप हो जाएंगे चीजें ऐसे। ऑल द मनी वी हैव, all the money we have cannot heal these things. हम सिर्फ दवाई लेके चल सकते हैं। आप डॉक्टर साहब को जाके बोलो डॉक्टर साहब मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे का मन ठीक कर दो, they can't do it. They can just give medicine and manage the symptoms. वही साइंस। अब इसके ऊपर जिम्मेवारी किसके ऊपर है? अब हम उस माहौल में चल रहे हैं कि काइंडनेस एंड कंपैशन बाहर नहीं किसी के लिए, पहले काइंडनेस एंड कंपैशन कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए काइंडनेस एंड कंपैशन? सबसे पहले अपने घर, और उसमें भी सबसे पहले किसके प्रति काइंडनेस एंड कंपैशन चाहिए? बी काइंड टू योरसेल्फ। If I am not kind to myself, if I am not kind to myself, I cannot be kind to anybody. क्योंकि मेरे पास वो है नहीं, है नहीं। अगर आप ये कहें अपने लिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है अपना ध्यान रखने के लिए, you are not being kind to yourself. आपका मन रो रहा है लेकिन आप
10 मिनट निकाल के उसके साथ बैठ के उसको ठीक करने का टाइम नहीं, आप उसको रोते हुए चलाएंगे सारा दिन, तो वी आर नॉट बीइंग काइंड टू आवरसेल्फ। अगर आपका बच्चा रो रहा हो और आप उसको रोते हुए छोड़ के चले जाओ तो कहेंगे कैसी माँ रोते हुए बच्चे को छोड़ के चले गए, नॉट बीइंग काइंड। अगर आपका मन रो रहा है लेकिन हम रुक के उसको ठीक नहीं करते, उसको रोते हुए चलाते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं किसी और से बात करेंगे वो हमारे मन को ठीक कर देगा, तो हम किसी और को फोन करते हैं, आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, आप अपना रोना सुनाओ वो थोड़ा सा अपना सुना देंगे, डबल रोना हो जाएगा थोड़ी देर बाद। हमें लगता है दूसरे लोग हमारा मूड ठीक कर सकते हैं, हम उनका मूड ठीक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट, जो आज आपको उसका नाम आपकी लिस्ट पे डालना ही होगा, आज अगर नहीं डाला देन यू आर बीइंग एक्सट्रीमली अनकाइंड। आप रेडी हैं उसका नाम डालने के लिए? रेडी है नाम डालने के लिए? श्योर श्योर। कोविड से पहले लोग कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है, आप बोल दो सुबह सुबह सेंटर आ जाओ। सडनली कोविड ने दिखाया, अचानक अचानक हम कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है, आपके शरीर में तो वैसे ही कम फुर्सत है, फुर्सत टाइम उतना ही है, लेकिन आप लोगों ने शब्दों का उपयोग किया, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब तो पूरा देश बोलता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। चेंज वोकैबुलरी, हर शब्द की एक ऊर्जा होती है, डोंट यूज अ वर्ड विच इज अनकाइंड फॉर यू। ऐसे शब्द का उपयोग ना करें जो आपकी शक्ति को घटाता है। If I keep saying I'm busy, I don't have time, busy, I'm radiating very turbulent energy to my mind and body. But वो शब्द क्या होता है, कोई बोलता है हम सुनते हैं, फिर हम एक बार बोलते हैं कोई, very soon it becomes in the air. फिर छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं I'm very busy, I don't have time. अभी से बोलेंगे ना अगर, तो उनके मन और शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब हम काइंड होते हैं तो हम प्यार से बात करते हैं, राइट? क्या काइंडनेस में हम रूडली बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से सबसे पहला हमारा होमवर्क, हम खुद से सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? हमें वो सारे लोग दिखाई देते हैं जो हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमसे सबसे बुरी तरह से बात करने वाला पता है कौन है? हमसे सबसे बुरी तरह बात करने वाला पता है कौन है? हम खुद। ये कोई है, ये मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, सारा दिन तंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे कोई असर नहीं डाल सकते, ये करते रहे बुरी तरह से बात, ये जितनी देर बुरी तरह से बात करते रहेंगे ये किसके साथ अनकाइंड है? किसके साथ अनकाइंड है? ये सिर्फ अपने साथ अनकाइंड है। लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर बोल देती हूँ दे आर नॉट बीइंग काइंड टू मी, रॉन्ग वोकैबुलरी। वो नेगेटिव शब्दों का उपयोग कर करके सिर्फ अपनी शक्ति को घटा सकते हैं, और जब उनके यहाँ नेगेटिव शब्द यहाँ चलेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे उनके शरीर पर जाएंगे, देन द सेकेंड थिंग दे आर नॉट बीइंग काइंड टू देयर बॉडी। ये सारा ऑर्डर में चलता है कि हम यहाँ जिस क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट करते हैं सबसे पहले वी आर नॉट बीइंग काइंड टू आवर माइंड, सो विच मींस वी आर नॉट बीइंग काइंड टू आवर सेल्फ। फिर जिस वाइब्रेशन के हम शब्द क्रिएट करेंगे सबसे पहले वो किसको मिलेंगे? जो हमारे सबसे नज़दीक है। हमारे सबसे नज़दीक कौन है? हमारे सबसे नज़दीक कौन है? हमारा शरीर। आप सिर्फ दो मिनट बैठ के चिंतन करो, ये ऐसे इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना है। दो मिनट में यू रेडिएटेड नेगेटिव एनर्जी टू योर बॉडी। फिर बेस्ट ऑफ खाना खाओ, इट विल नॉट वर्क। लाइफ स्टाइल, डॉक्टर कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल इज डाइट, लाइफ स्टाइल इज स्लीपिंग, लाइफ स्टाइल इज एक्सरसाइजिंग, बट लाइफ स्टाइल इज लाइफ, यहाँ है लाइफ,
यहाँ नहीं है, ये लाइफ है, जब ये लाइफ निकल जाती है ये डेड बॉडी है। तो मैं आत्मा हूँ, लाइफ हूँ, मेरा स्टाइल क्या है, सोचने का, बात करने का, काम करने का, व्यवहार, व्हाट इज माय स्टाइल, दैट लाइफस्टाइल हैज टू चेंज। अगर मेरा लाइफस्टाइल है छोटी छोटी बातों में अपसेट होने का, मेरे शरीर पे इंपैक्ट आएगा। अगर मेरा लाइफस्टाइल है जो हो गया उसको पकड़ के रखने का, रिलीज नहीं कर पाने का, मेरे शरीर पर असर होने वाला है। अगर मेरा लाइफस्टाइल है लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गलती ढूंढते रहने का, मेरे शरीर पर असर होने वाला है। अगर मेरा लाइफस्टाइल है ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, इधर करो, अभी करो, जल्दी करो, टाइम करो, मेरे शरीर पर असर होने वाला है। सो व्हेन आई एम नॉट काइंड टू माई सेल्फ, द सेकेंड थिंग आई एम नॉट काइंड टू माई बॉडी। फिर हम कहते रहते पोल्यूशन बहुत है इसलिए बीमार हो रहे हैं। Don't blame the world. It's starting from here. Third, if I'm not carrying the right energy, who am I not being kind to people? तो तीसरी चीज जो अफेक्ट होती है वो रिश्ते, क्योंकि यहाँ मैंने जब एजिटेशन क्रिएट कर दिया तो मेरे मुख से भी किस क्वालिटी के शब्द निकलेंगे, किस क्वालिटी के निकलेंगे? Yes, कैसे शब्द निकलेंगे? अगर मेरे अंदर मैं परेशान हूँ तो प्यारे प्यारे सब शब्द निकलेंगे मुख से? नहीं निकलेंगे, क्योंकि अंदर कड़वाहट भर गई। तो थोड़ा सा एक किसी ने बटन दबाया तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। Then I'm not kind to people. And जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो मेरी ये सारी एनर्जी जो है वो वातावरण में फैल रही है, एंड आई एम नॉट बीइंग काइंड टू द प्लैनेट। तो काइंडनेस स्टार्ट होगी यहाँ से, और यहाँ से इट विल रेडिएट टू द एंटायर वर्ल्ड। मतलब मेरा मन, फिर मेरा शरीर, फिर मेरे रिश्ते, और फिर मेरी सृष्टि द वर्ल्ड। अब आप सोचो, एक एग्जांपल ले लो, ये जो ये हैं इन्होंने कुछ ऐसे 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 सुबह सुबह आज मुझे कह दिया, कहना नहीं चाहिए था, जो कि हाँ वो गलत ही था, लेकिन वो उन्होंने कहा। उनको सुनने के बाद मैंने खुद से क्या कहा? ये जो कहते हैं क्या ये मेरे माइंड के अंदर घुस सकते हैं? ये सुनो, इनकी पावर कहाँ है, ये कहाँ खड़े होके बोल सकते हैं? आप अपना लेफ्ट हैंड कर लो जरा थोड़ा सा आगे और इनको बिठा लो उसमें, जो भी आपके इनके हो गए हैं इनको बिठा लो, जो करेक्ट तरह से व्यवहार नहीं करते, कभी कभी रोज ही ठीक से व्यवहार नहीं करते। जस्ट लुक एट देयर पावर एंड देन लुक एट योर पावर। शक्ति पता होनी चाहिए, इनके पास क्या शक्ति है, मेरे पास क्या शक्ति है। ये यहाँ से खड़े खड़े गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मेरे जीवन में बाधा डालते हैं, जो सोचना जितना गलत हो वो करते हैं। इनकी शक्ति क्या है? इनकी शक्ति है कि ये यहाँ से खड़े होकर जोर जोर से अब्यूसिव लैंग्वेज, चिल्लाना, शोर, सब कुछ कर सकते हैं। ये इनकी शक्ति है, और ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमारे घर में सुबह सुबह कलेश मचा सकते हैं, बट ये उतनी ही शक्ति है। क्या ये मेरे माइंड के अंदर घुस सकते हैं? यस और नो? बी वेरी श्योर। क्या ये मेरे माइंड में घुस सकते हैं? यहां खड़े होके सब कुछ कर सकते हैं, क्या यहां ये मेरे माइंड में घुस सकते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर। क्या ये हमारे माइंड में घुस सकते हैं? नॉट एट ऑल। घुस जाते हैं, सो स्वीट, घुस जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, है ना? घुस के फिर क्या करते हैं? आज सुबह कोई घुसा तो नहीं था आपके माइंड के अंदर? घुस जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, फिर हमारे माइंड के अंदर घुस के वो क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? ओहो, वो कहते हैं हमारे माइंड के अंदर घुसकर बहुत बड़ा परेशान कर देते हैं हमारे को। बाहर जाके किसी को बोलना नहीं, ये मेरे अंदर घुस गए, पता है क्या माना जाता है इसको?
जैसे कि कोई और मेरे अंदर प्रवेश कर गया है। वो जो कुछ मचा सकते हैं ना, यही खड़े होकर मचा सकते हैं। यहां जो शोर मचाता है वो कौन मचाता है? कौन सा वर्ड आपने बोला उसके लिए? उत्पात। इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, परेशान। तो वो उत्पात कौन मचाता है मेरे माइंड के अंदर? हाथ रखो, हाथ रखो। ये क्लैरिटी चाहिए। ये यहां शोर मचा सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर का शोर कौन मचाता है? शोर मतलब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हर एक मेरे साथ ऐसा करता है, मैंने इस घर के लिए इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सबके लिए करती हूँ, मैं अपना नहीं सोचती, ना मैं खाती हूँ, ना मैं सोती हूँ, मैं सिर्फ करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। रिटर्न में मुझे क्या मिलता है? Nobody loves me, nobody cares for me, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा मन करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं चली जाऊँगी ना तब इनको मेरी वैल्यू होगी। ये सारा शोर किसने मचाया? ये शोर किसने मचाया? उन्होंने जो बोला था वो तो डिफरेंट वोकैबुलरी थी। वो शोर उनका था और उनके शोर का कंट्रोल नॉब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं किसी तरह हम उनका चेंज करते हैं। दैट वाज ओवर, वी ट्राइड, फिनिश्ड। यहां का शोर कौन मचा रहा है? दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि जब तक हम ये जीवन जीते रहेंगे सोच रहे हैं कि वो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं अपसेट हूँ, उनकी वजह से मैं गुस्सा हूँ, उनकी वजह से मैं नाराज हूँ, आई लिव द लाइफ ऑफ अ विक्टिम, फिर तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। राइट इट ऑफ इस जीवन के लिए कि हम कभी सुखी हो सकते हैं। और जो खुद सुखी हो नहीं सकता वो किसी को सुख दे नहीं सकता। तो उनका शोर कौन मचाता है? लेट्स से इट टुगेदर। उनका शोर कौन मचाता है? नहीं नहीं, उनका शोर जो लेफ्ट हैंड पे है, जो लेफ्ट हैंड पे, उनका शोर कौन मचाता है? ओहो, आप किसी और को देख रहे हैं, देखा मन का से भाग गया। उनका शोर कौन मचाता है? वो खुद। मेरे मन के अंदर का शोर कौन मचाता है? अच्छे से मैं। उसको ठीक कौन करेगा? कितना टाइम लगेगा? ये कितनी बड़ी पावर है पता? दिस इज अमेजिंग पावर कि उनका शोर वो मचाते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो चलता है उसका क्रिएटर कौन है? मैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू बी काइंड टू माइसेल्फ। वो काइंड नहीं हो रहे, वी अग्री, वो बहुत अनकाइंड हो रहे हैं, बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत अब्यूजिव हो रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम अपने आप के साथ काइंड हो सकती हूँ। कभी कभी ऑपोजिट भी होता है कि यहाँ से खड़े होकर कोई बहुत अच्छी से बात कर रहा है, लेकिन मेरा मूड अगर ठीक नहीं है ना तो मैं उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन के बोलती हूँ, क्या बात है, बहुत ज़्यादा ही मीठा हो रहे हैं बिना बात के। पक्का कुछ चाहिए सुबह सुबह। मैंने नहीं फंसना इनकी ये मीठी मीठी बातों में, अभी इतना मीठा मीठा बोलेंगे फिर कुछ। सो दे आर बीइंग नाइस, बट आई एम स्टिल नॉट बीइंग नाइस टू मायसेल्फ। सो एक इक्वेशन आज फिट कर लें, सारी दुनिया, एक दो लोग नहीं, सारी दुनिया आपके साथ अच्छे से बात नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप खुद खुद से अच्छे से बात करें और सारी दुनिया आपसे अच्छे से बात करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप खुद खुद से अच्छे से बात नहीं करें। सो वी नीड ओनली वन पर्सन टू बी काइंड टू अस। लंबी लिस्ट नहीं है, वी नीड ओनली वन पर्सन टू बी काइंड टू अस। वी नीड ओनली वन पर्सन टू लव अस। वी नीड ओनली वन पर्सन टू रिस्पेक्ट अस। पर यहाँ हम पूरी दुनिया के सामने खड़े रहते हैं, बी नाइस टू मी, बी काइंड टू मी, लव मी, रिस्पेक्ट मी, और वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, फर्स्ट यू बी काइंड टू मी, फर्स्ट यू बी नाइस टू मी, फर्स्ट यू लव मी। एक्चुअली तो किसी को किसी से भी नहीं मिलने वाली है ये चीज, और इसीलिए वी आर गोइंग बिकॉज वी आर आस्किंग समबडी एल्स फॉर समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, वो मेरी चीज है। अब करना कैसे है? सपोज कोई हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है,
नॉट जस्ट सिंपल शाउटिंग, कभी कभी तो बहुत गलत व्यवहार हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई रिश्तों में धोखा दे सकता है, कोई बिजनेस में धोखा दे सकता है, पड़ोसी बैठे बैठे कुछ गलत कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ऑफिस में काम पे बहुत कुछ हो सकता है। क्या मैं आत्मा उस सिचुएशन में भी सही तरह से सोच सकती हूँ? विच मीन्स अ हाई वाइब्रेशनल प्योर पावरफुल काइंड थॉट, हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है? यस और नो? हो सकता है? ये हो सकता है अगर हम वो राइट वाइब्रेशन बोलने की भाषा को सीख लें, क्योंकि ये भी एक भाषा है, ये एक वोकैबुलरी है। सारा दिन में अगर आप अपनी भाषा को चेक करें कि भाषा के शब्द कैसे हैं हमारे जो हम बोलते हैं, और सिर्फ एक थोड़ा सा अटेंशन रखें, आज करते हैं, संडे है एक दिन, कि आज मेरे मुंह से निकलते, इसको छोड़ते हैं, ये सेकंड करेंगे, आज मेरे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है ना, दे विल बी हियर। मतलब हर शब्द कैसा होगा, हर शब्द कैसा होगा? प्योर, हाई वाइब्रेशनल। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिन शब्दों का हम बार बार उपयोग करते हैं वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार कहेंगे ना, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, यू रियली नेवर एवर हैव टाइम, नेवर एवर हैव टाइम। अगर आप कहेंगे आई एम बिजी, यू ऑलवेज बी बिजी। दुनिया ने कहा आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस हो गए सारे। शुरू में तो थोड़े से लोग ही स्ट्रेस थे सिर्फ, बाकियों ने शब्द उठा लिया सिर्फ, कहा अच्छा साउंड करता है आई एम स्ट्रेस्ड। पहले इट वॉज मोर लाइक अ स्टेटस सिंबल कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं मतलब हम जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बोले नो आई एम वेरी इजी, कहते क्यों, बिजनेस नहीं चल रहा? सो इट एक्चुअली स्टार्टेड लाइक दैट ओनली, कि हाँ मेरे पास भी है ये, मतलब आई एम ओके। बट बोलते बोलते, शब्दों का उपयोग करते 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 वो हमारी वास्तविकता बन जाता है। तो आज से आई एम बिजी हटा देते हैं, और क्या बोलेंगे उसकी जगह? बोलो आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। आपको पता है पहले जब घर छोटे होते थे तब जगह ज्यादा होती थी। किसको इस बात का अनुभव है? जब घर छोटे थे तब जगह ज्यादा थी, विच मीन्स क्या? इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस। कोई बोलता था हम आ जाए, हम मुंबई आ रहे हैं, हम आपके घर आ जाए, कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बोलते थे जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। कौन कौन गद्दे बिछा बिछा के सोए नीचे जब लोग आए, आए ना, हाँ कितनी जगह है, क्या खाएंगे? कुछ नहीं, मिलके खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे बस। अभी हर एक के पास अपना अपना कमरा है, तेरे डोंट कम इनटू माय रूम, आई नीड माय स्पेस। सो इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द प्लेस, इट इज अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग। छोटा था लेकिन एटीट्यूड में भरपूरता थी। हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत है, अब हमने कहा हमारे पास कम है, आई डोंट हैव इनफ। और इसने हमारे अंदर कौन सा संस्कार ले आया? डिसकंटेंटमेंट, संतुष्टि नहीं है, मेरे पास इतना है लेकिन नहीं, कम है, कम है, कम है। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास फाइनेंशियली क्वांटिफाइड में ज्यादा नहीं है, लेकिन कहते बहुत है, पूरे जीवन चल जाएगी आराम से, बहुत है। और किसी के पास इतना है कि कहते नहीं जी बिल्कुल टाइम नहीं, अभी तो बहुत कमाना है। फिर पिछले हफ्ते ज्ञान सुनाया ना हम सब ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे, एक आत्मा जाते जाते हमें जीवन जीने का तरीका सिखा के चली गई आपके ही शहर से। इट्स नॉट जस्ट अ मैसेज विच हैज टू बी सर्क्यूलेटेड, इट हैज टू बी सर्क्यूलेटेड सो दैट वी लर्न दैट दिस इज द रियालिटी ऑफ लाइफ।
46,000 करोड़ में तो पहले जीरो गिनने पड़ेंगे कितने होते हैं, आई डोंट नो कितने होते हैं उसके अंदर। एंड उन्होंने जब अपने बारे में लिखा था इट वाज सो ब्यूटीफुल कि पैसे कितने भी हों जीवन तो हम वैसे ही जीते हैं जैसे जीने हैं, बहुत ज्यादा से हम बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खाना हम वही खाएंगे। सो विच मीन्स इतना हमारा नीड होता है, बाकी सब हमारा ग्रीड चल रहा है। और जब तक हमारा ग्रीड चल रहा है तब तक संतुष्टता तो मैं आत्मा कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकती। फिर लोग कहते हैं सब कुछ है लेकिन पता नहीं क्या खाली खाली लगता रहता है अंदर। पर ये ग्रीड कहाँ से आया, ये कोई मेरा संस्कार नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये ग्रीड कहाँ से आया, क्योंकि एक नेगेटिव लिया, दूसरा नेगेटिव लिया, तीसरा लिया, तो वो नेगेटिव एज अ फैमिली कम्स टुगेदर। एक कंपैरिजन का संस्कार ले लो तो ग्रीड का संस्कार अपने आप आ जाएगा, भाई इन्होंने तो ये किया अब मुझे भी ये करना चाहिए, पर मेरे पास तो उतने नहीं है तो मुझे अब और चाहिए, फिर मैंने और लिया किसी और। सो एक कंपैरिजन का भी संस्कार ले लो तो ग्रीड आ जाएगा, एक संस्कार ले लो कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में तो ग्रीड आ जाएगा, एक कंपटीशन का संस्कार ले लो कि मुझे सबसे पहले नंबर वन होना है तो ग्रीड आ जाएगा, ये तो कहीं से भी घुस जाते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले अपने शब्दों को चेंज करते हैं, बी नाइस टू योरसेल्फ, टॉक नाइसली टू योरसेल्फ। हम एक बच्चे को सिखाते हैं ना कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, सिखाते हैं एक बच्चे को रिस्पेक्टफुली कैसे बात करनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लीज बोलो, वो बोलते हैं गिव मी दिस, नो पहले प्लीज बोलो। किस किसने सिखाया अपने बच्चों को ऐसा, प्लीज बोलो सिखाया, बच्चा सीख गया, वो भी कौन सी एज में, और वो प्लीज को हिंदी में भी बोल सकता है, इंग्लिश में भी बोल सकता है, मराठी में भी बोल सकता है, तो 3-4 साल की एज में 3 भाषाएं सीख लेता है। हमें अब सिर्फ एक भाषा सीखनी है, हम उसको क्यों बार बार इंसिस्ट करते हैं प्लीज बोलो, छोड़ो ना प्लीज को नहीं सीख रहा तो, नहीं अगर आज नहीं सीखा वो जीवन भर रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा। थैंक यू बोलो, किसी ने कुछ दिया है उसके सामने, मेहमान के सामने खड़े हो जाते हैं उसके पास, थैंक यू बोलो, बोले नहीं देंगे आपको वो चीज, थैंक यू बोलो। इट्स दैट लिटिल एफर्ट जो जीवन भर के लिए उस बच्चे को कर्टसी सिखाता है, रिस्पेक्टफुल सिखाता है, मैनर सिखाता है। और जिसने वो छोटा सा एफर्ट नहीं किया होगा उसका बच्चा जीवन भर नहीं सीखता रिस्पेक्टफुली बात करना, तो फिर लोग क्या कहते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया इसको, थैंक यू भी नहीं बोला। तो इसीलिए हम अब जैसे एक बच्चे को एक भाषा सिखा सकते हैं, हमारा मन भी एक बच्चा है, इसको प्यार से बोलना सिखाना शुरू करते हैं। अब जब मेरे साथ कोई रूडली ऐसे बात करेगा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन डिस्टर्ब है, तो मुझे अपने मन को क्या सिखाना है कि जब वो इस तरह से बात करेंगे तो मुझे अपने मन को क्या सिखाना चाहिए उसके रिटर्न में, क्या करना चाहिए, चलो सिखाओ। अच्छा ज्यादा कुछ भी नहीं करना, किसी और के साथ कोई रूडली बेटा बात करते हैं तो हम उसको जाके कितने अच्छे से सिखाते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको, वेरी गुड, छोड़ो ना, फर्स्ट लाइन छोड़ ना किया तो, वेरी गुड, और हाँ जी लेट इट गो, हाँ छोड़ो ना, छोड़ देते हैं, लेट इट गो, और क्या सिखाते हैं, डोंट बी सिट विद अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपका बोलते हैं यू नो व्हाट दे डिड दिस टू मी, दे डिड दिस टू मी, दे डिड व्हाई यू गेटिंग सो अपसेट, सिट रिलैक्स, छोड़ भाई उसका संस्कार है, यू आर नॉट लाइक दैट, तुम ऐसे नहीं हो, तुम पर क्यों असर पड़ रहा है उसके बात करने का। हम ऐसे बात करते हैं लोगों से, किस किस ने कभी ना कभी किसी और का मूड ठीक किया है, हाथ उठाओ, बिकॉज दैट्स इमेंस पावर, किया है, कितनी पावर है हमारे पास, हम दूसरों का मूड ठीक कर सकते हैं, क्या किया ठीक करने के लिए, बस उसके पास बैठे, चल चल पानी पी, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ इसको, यू आर नॉट लाइक दिस, फॉरगेट इट, वो भी थोड़ी देर में सोचते हैं राइट तो बोल रहे हैं, आई एम नॉट लाइक दिस, वो ऐसे बोल के चला की बताता है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। लेकिन जब अपने साथ बैठते हैं
तो भूल जाते ना ना भूल जाते होते तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ भूल जाओ। दूसरे को बोलते हैं छोड़ ना, खुद को बोलते कैसे छोड़ो और छोड़ो क्यों, मैं ही छोड़ती रहूं हर टाइम, मतलब जो आए मुझे बोल के चला जाए और मैं ही लेट गो करती रहूं, है ना। लेट गो लेने का डिपार्टमेंट मेरा ही है इस घर के अंदर सारा। इट इज द वे आई स्पीक टू माईसेल्फ। नया कुछ नहीं सीखना है, हमें सब पता है कि क्या बोलना है उस टाइम पे, सिर्फ हमें वो पता है कि हम दूसरे को बोलते हैं वो चीज और दूसरे हमारे को बोल के भी हमारा मूड ठीक कर देते हैं। तो हमने बहुतों के मूड ठीक किए हैं, बहुतों ने हमारे मूड ठीक किए हैं, लेकिन अब मुझे खुद खुद का ठीक करना है। अगर हम एक मिनट भी उस टाइम साक्षी होकर बैठ जाए और अपने आप से कहें जो वो मेरे बारे में कह रहे हैं इज इट ट्रू, इफ इट इज ट्रू मैं चेंज करती हूँ, इफ इट्स नॉट तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके मन का संस्कार का मूड का जो भी इस टाइम अपसेट है। इट इज अबाउट देम, लोग जो हमें कहते हैं वो एक्चुअली हमारे बारे में नहीं बोल रहे होते हैं, वो किसको दर्शा रहे होते हैं, वो किसको दर्शा रहे होते हैं, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड अपने संस्कार को दर्शा रहे हैं। आप कोई भी चीज, आज ये स्टेज है, आज ये फ्लावर्स है, हर एक को बोलो इस फ्लावर के बारे में एक ओपिनियन दो अपना, सिंपल इस फ्लावर के बारे में आप अपनी अपनी राय दीजिए, तो हर एक की राय एक जैसी नहीं होगी, लेकिन हर एक की राय क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, आर दे रियली टॉकिंग अबाउट द फ्लावर और आर दे रियली रिफ्लेक्टिंग देयरसेल्व्स। तो ये तो यहाँ पे हमेशा पक्का कर लेना चाहिए कि लोग जो कह रहे होते हैं वो एक्चुअली मेरे बारे में बात कर ही नहीं रहे होते हैं, वो अपने संस्कारों को दर्शाते हैं, और अगर वो डिस्टर्ब्ड हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा मेरी तरफ से कंपैशन की जरूरत है, लेकिन टू बी कंपैशनेट टू देम आई विल हैव टू बी कंपैशनेट टू मायसेल्फ। मतलब अगेन वो यहां से वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अगर मैं एक सेकंड में ये बात याद रखूं कि मुझे पता है कि मेरे कौन सी कमजोरियां हैं, मेरी कौन सी विशेषता है, आई नो माई सेल्फ, ये मैंने नहीं किया है जो ये बोल रहे हैं, आई एम नॉट लाइक दिस, और अगर हो भी मैं ठीक कर लूँगी, उसके लिए इनको इतनी जोर जोर से चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है वो चीज़। सो वो खुद अपसेट है। जैसे ही मैंने ये अपने आप को कहा मैं हो गई ठीक, एंड जैसे ही मैं हो गई ठीक तो मेरे से कौन सी वाइब्रेशन उनको जाएगी, पॉजिटिव। जैसे ही मेरे से पॉजिटिव मतलब मेरी प्योर वाइब्रेशंस, कंपैशन, एम्पैथी, उनके प्रति एम्पैथी जाएगी तो वो वाइब्रेशन उनके मन को थोड़ा सा हील करेगी या नहीं करेगी, थोड़ा सा, चाहे 1% हील करें, चाहे 0.5% हील करें, लेकिन मेरी वाइब्रेशन उनको हील करेगी या नहीं करेगी, करेगी। इसका ऑपोजिट लेते हैं कि उन्होंने कुछ कुछ ऐसा कहा और मैं अपने मन में रोने लग गई, भले मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही, लेकिन मैं अपने मन में रोने लग गई, उनके बारे में ब्लेम करने लग गई, तो मेरे तरफ से कौन सी एनर्जी जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी जो ऑलरेडी दर्द में है उसके दर्द को थोड़ा सा बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, यस और नो। सो इट्स अ सिंपल रूल, If I am nice to myself, I will automatically be kind to people. But if I am not nice to myself, I will automatically increase their pain. सिर्फ लोगों के बारे में सोचने से हम लोगों का दर्द बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में इतना सोच लो, इसका क्या होगा, ये आगे क्या बनेगा, सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है ठीक से, आप बस 4-5 थॉट्स ऑफ वरी क्रिएट कर लो, वो सारे 4-5 थॉट्स ऑफ वरी किसको जाएंगे, किसको जाएंगे, उसको जाएंगे, और वो उसकी क्षमता को 1% कम कर देंगे। अब आप इसको चेंज करो वो कैबलरी को, और आप बोलो बहुत मेहनत करता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा करेगा इस बार,
और जैसे आपने अपने थॉट्स की वाइब्रेशन को ऊपर उठाया, मतलब यू स्टार्टेड क्रिएटिंग प्योर पावरफुल हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, आपकी एनर्जी उस तक जाएगी और वो उसकी कैपेसिटी को भी क्या कर लेगी, हाई कर देगी। अब हम वो इस तरह की थॉट्स क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं, हम कहते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, तो हाउ टू क्रिएट अ थॉट कि वो पढ़ रहा है। हमें इसलिए वो थॉट क्रिएट करनी है ताकि हमारे वो थॉट क्रिएट करने से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो पढ़ लेगा। हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हमारा भाग्य नहीं, हमारी वाइब्रेशन दूसरों का भाग्य चेंज कर सकते हैं। क्या आपकी वाइब्रेशंस का इन फ्लावर्स पर असर पड़ेगा? पड़ता है, पौधों पे असर पड़ता है। अगर पौधों पर इतना असर पड़ता है तो बच्चों पर कितना पड़ता होगा? आप अपने घर में एक पौधा रखें और 4-5 दिन उदास रहे उस घर के अंदर, शोर मचाए चिल्लाए, आपको वो पौधा मुरझाता हुआ दिखाई देगा। और आप एक पौधा रखें जो थोड़ा सा ऑलरेडी ऐसे मुरझा रहा है, अच्छे से मेडिटेशन करें, वहाँ हैप्पी एनर्जी क्रिएट करें, आपको वो पौधा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक पौधे पे हमारी इमोशन का असर पड़ सकता है तो हमारे बच्चों पर कितना पड़ता होगा। सो वी नीड टू बी काइंड ओनली टू वन पर्सन। सो अब आज वन डे हम ये होमवर्क करेंगे कि हम जो बोलेंगे ना छोटी छोटी बातों में भी, सपोज यहाँ से जाएंगे लंच बना होगा, एक बार तरीका करने का लंच का क्या, ये क्या बना है, संडे को भी ये बना दिया, लोअर एनर्जी थॉट। सो केस को भी कोस दिया, सिर्फ खुद को नहीं कोसा, खाने को भी कोस दिया। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अन्न को कभी भी रॉन्ग वर्ड नहीं बोलना और अपने बच्चों को ये सिखाना। उस दिन हम सेंटर पे नाश्ता कर रहे थे, एक छोटा बच्चा था 3 साल का, 4-5 चीज़ें बनी हुई थी वहाँ पे। उसकी मम्मी ने पहले एक चीज़ डाली, उसने उसको पकड़ के इतना खाया, आई डोंट लाइक दिस, मम्मी कहते छोड़ दो। फिर दूसरी चीज़ डाली, आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो, छोड़ दो। तीसरी चीज़ लाई, दिस इज ओके, आई लाइक दिस। And I just looked at her and I said, ऐसे ये ऐसे बोलेगा खाने के बारे में, I don't like this, I don't like this। उसको पता भी नहीं है वो चीज़ कौन सी है। Maybe he said I don't like this to the most nutritious thing on the table। ऐसे उसने बोला I don't like this और आपने उठा के उसको साइड पर रख दिया। ये होता है अपने बच्चे को डिसिप्लिन न करना। यही चीज़ हम अपने मन रूपी बच्चे के साथ भी करते हैं। तो कभी भी बच्चों को, खुद को अन्न के सामने, अन्न को एक नेगेटिव शब्द बोलने नहीं देना। वी हैव टू टीच, लेकिन हम उनको तब सिखाएंगे जब हम खुद उस भाषा का उपयोग करेंगे। अन्न की कमी, अन्न का टेस्ट, अन्न की ये क्या बनाया, मेरे को नहीं खाना, ये अच्छा नहीं बना, ये ऐसा नहीं बना। अन्न, हम वो संस्कृति हैं जो अन्न को इस तरह से नमन करके, परमात्मा को याद करके, उसकी शक्ति के साथ प्रसाद की तरह उसको खाते थे। लेकिन अगर हम घर पे प्रसाद बनाएंगे तभी तो हम बच्चों को वो प्रसाद की तरह खिला सकेंगे। ये सारी जो चीजें छोटी छोटी है ना, ये हमारी संस्कृति को कम्प्लीटली चेंज करेंगे। और संस्कृति चेंज होगी, संस्कार चेंज होंगे, संसार बदल रहा है। थोड़ा सा यू टर्न ले लेंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो हर चीज, डाइनिंग टेबल पर भोजन करने बैठे, खाने के बारे में हर शब्द कैसा वाला होना चाहिए, कैसा वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिर्फ शुक्राना वाला। कभी भी खाने समय किसी को टोकना भी नहीं चाहिए। कि वो छोटी छोटी बातें जो पहले सिखाया जाती थी, टोकना नहीं खाने के टाइम, बोलना नहीं, ज्यादा मत खाओ खाने के टाइम, नहीं जो बोलना पहले खाओ बाद में खाओ बोलो। लेकिन खाते खाते किसी को बोल देना ये नहीं आपको खाना चाहिए, इट्स कंसिडर्ड वेरी रॉन्ग।
Because the food is absorbing that negative energy. इतना एक-एक शब्द का, एक-एक शब्द का पावर होता है। और हम तो खाने हम तो लोगों को बोलते हैं यही बुरा है, लोग बुरे हैं, मैं ही बुरी हूँ, मेरे से ही कुछ नहीं होता। तो ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे लिए क्या बनते जाते हैं? हमारे शब्द या तो दुआ बन सकते हैं या हमारे ही शब्द क्या बन जाएंगे? दुआ का ऑपोजिट, दुआ का ऑपोजिट भी बन जाते हैं, चाहे खुद के लिए। कई बार हमें आदत होती है हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, आई एम नो गुड, लुक एट एवरीबडी, एवरीबडी इज डूइंग इट सो वेल, मेरे से नहीं होता। खुद खुद को क्या कर रहे हैं? दुआ का ऑपोजिट दे रहे हैं, एवरीबडी इज बेटर देन मी। सो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? अभी भैया ने कहा ना कि लोग कहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी इस एज में नहीं चाहिए होती है। कौन सी एज में चाहिए होती है स्पिरिचुअलिटी? कौन सी एज में चाहिए होती है स्पिरिचुअलिटी? कौन सी एज में चाहिए होती है? जब एक बच्चे को बोलना सिखाना शुरू कर दो तभी से उसको ज्ञान मिल जाए, तो वो सिर्फ बोलना नहीं सीखेगा, सही बोलना सीखेगा। और सही बोलना मतलब वो सही सोचना भी सीखेगा। उस एज से स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो एक्चुअली हम जल्दी नहीं है, हम थोड़ा सा, लेकिन अगेन इट्स नेवर लेट, क्योंकि ये आत्मा के करने के हैं। कोई बहुत सालों से कर रहे हो तो भी ठीक से ना कर रहे हो, और कोई करे तो बस कुछ ही महीनों में अपनी पूरी तरह से चीजें बदलते हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ है उसको प्रायोरिटाइज करना और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रखना। आज सुबह जो हम परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं सेंटर में, जिसको मुरली कहते हैं, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन थी। तो परमात्मा ने कहा आप सब प्रतिज्ञा करते हो चेंज की, ना आई वांट टू चेंज दिस, आई वांट टू चेंज दिस, तो आप प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ ही आप वेस्ट थॉट्स भी क्रिएट कर लेते हो। पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, पिछली बार नहीं हो पाया था, मैंने पिछले न्यू ईयर पे भी डिसाइड किया था, मुझसे छूटा नहीं, मुझसे हुआ नहीं। तो परमात्मा ने सिखाया जैसे ही प्रतिज्ञा की उसके साथ एक भी सिंगल वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट थॉट हमारी कमजोरी है। जो ऑलरेडी हमारे पास है हम उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमने वो कमजोर संकल्प किया तो वो हमारी कमजोरी वापस हमारे पास। फिर उसके बाद परमात्मा ने सिखाया ये नहीं सोचना है। फिर सोचना क्या है? तो प्रतिज्ञा की उसके साथ जो थॉट क्रिएट करते हैं, आपने ये नोट करके रखना, दीज आर हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी। उसमें परमात्मा ने कहा उसके बाद आपको कहना है हिम्मत मेरी, बोलिए हिम्मत मेरी, अटेंशन मेरा, क्योंकि अटेंशन रखना ना बहुत सारा है, तो हिम्मत मेरी, अटेंशन मेरा, मदद आपकी। वो मदद थर्ड आते है, लेकिन हम भगवान को बाबा प्लीज मेरी आदत बदल दो, नहीं लिखा, प्लीज ये ठीक कर दो। अच्छा मुझे नहीं ठीक कर सकते तो उनको ठीक कर दो, तो भी मेरा घर ठीक हो जाएगा, अगर किसी को तो ठीक कर दो, ऐसे नहीं होगा। इक्वेशन इज वेरी क्लियर, हिम्मत मेरी, अटेंशन मेरा, मतलब हिम्मत मतलब पहले तो प्रतिज्ञा करने की हिम्मत, फिर अटेंशन रोज थोड़ा सा, और मदद उसकी। सेकेंड संकल्प ये करो, विजय मेरा संस्कार है, विजय मेरा साथी है, मतलब सक्सेस एंड विक्ट्री वॉक्स हैंड इन हैंड विद मी है। हम ऑपोजिट करते हैं, हम कहते हैं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। सो दिस इज वोकैबुलरी चेंज, वोकैबुलरी चेंज। तो परमात्मा ने कहा विजय आपके पास नहीं जाएगी तो जाएगी किसके पास? अब जैसे ही सुबह सुबह ये सुन लो अंदर चला जाता है, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं ना उसी से हमारी भाषा बनती है। तो इसलिए आजकल हमारा भाषा इसलिए भी थोड़ी सी बदल गई है क्योंकि हमारा कंटेंट कंजम्पशन इज ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी ऑल टुगेदर नाउ। इसीलिए जो आप सुन पढ़ देख रहे हैं बहुत अटेंशन रखिएगा, उसको एंटरटेनमेंट नहीं बोलिएगा, उसको अपनी डेस्टिनी बोलकर फिर सुनिए पढ़िएगा। क्योंकि जो भी आप सुन पढ़ देख रहे हैं
वो अंदर जा रहा है, वो सोचने की भाषा बना रहा है, फिर वो कर्म की क्वालिटी बना रहा है और फिर वो भाग्य बन जाएगा। तो ये जो 25-30 सालों में हमें इतना बड़ा चेंज दिखाई दिया है समाज में, इन द वे ऑफ थिंकिंग, स्पीकिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, क्यों हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि कम है कम है? क्योंकि सारा दिन तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से हमें यही सिखाया जा रहा है, ओहो आपके पास ये मोबाइल है, नो गुड नो गुड, यू हैव टू बाय द नेक्स्ट वर्जन, एंड फिर उसके साथ एक बहुत स्माइलिंग फेस दिखा देते हैं। तो मतलब मेरे अंदर वो रोज एडवर्टाइजमेंट देख देख के मेरे अंदर आता जाएगा कि ये जो मेरे पास चीज है इट्स नो गुड, ये सबके पास है, मेरे पास भी आ जाएगी तो मेरा भी चेहरा ऐसा हैप्पी हो जाएगा। एंड ये करते 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 हमारा माइंडसेट ये बन गया कि हमारे पास कम है, अभी तो मुझे ये सारा कुछ खरीदना जो रोड पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इट्स मीडिया, पावर ऑफ मीडिया। हमेशा याद रखें, वो उनका बिजनेस है, मेरा भाग्य है। एंड डोंट लेट समबडीज बिजनेस अफेक्ट आवर डेस्टिनी। वो उनका बिजनेस है, वो तो करेंगे, और जितना हम सकते नोट है और करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने एक एक सीरियल बनाया था, हफ्ते में एक दिन आएगा, हम इतने एडिक्टेड हो गए, उन्होंने बोला हफ्ते में एक दिन दिखाने से इतने एडिक्टेड हो गए, रोज का बना दिया एपिसोड, फिर हम रोज एडिक्टेड हो गए, फिर उनका बिजनेस था। तो उन्होंने कहा ओ जरूरी नहीं है सब लोग उस टाइम पे घर पे होंगे जब ये टीवी पे आता है, तो हमने फोन पे डाल दिए, अब हम सारा दिन खड़े। सो यू सी, उनका भाग्य तो अच्छा बन रहा है बिकॉज दे ऑर्निंग गॉट ऑफ मनी, हम क्या कर रहे हैं? डोंट गेट सक्ड इनटू व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू सेल। वो उनका बिजनेस है, हमारे घर का भाग्य बदल रहा है, क्योंकि हम सब कुछ, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, तो लोग पता है क्या लिखते हैं यूट्यूब पे, वे तो थोड़े छोटे वीडियो बनाया करो, बड़े लंबे हैं, 20 मिनट्स नहीं है हमारे पास सुनने के लिए, प्लीज कीप मेकिंग शॉर्ट वीडियोस। फिर आप देखो आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना दिए, दो दो मिनट में। दूसरा कुछ सुनना हो तो अच्छा 10 एपिसोड है, मैं आज संडे में पूरी सीरीज आज ही खत्म कर लूंगा। नाउ दिस इज टाइम टू अवेकन। हम जंक फूड खा जा रहे हैं और हेल्दी फूड के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम न होता ना, ये इतना मीडिया जो हमारे लिए तैयार किया जाता है, इसका कंज्यूमर कौन है? क्योंकि हम सब तो बहुत बिजी हैं, तो हमारे पास तो टाइम नहीं होना चाहिए सारा कंज्यूम करने के लिए। जो क्रिएट किया जा रहा है वो तो कितना बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर तो कौन है? हम ही है ना, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं तभी तो बन रहा है, और अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं मतलब हमारे पास बहुत टाइम है। We have more time than we need. लेकिन उस टाइम में हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? Be kind to yourself as far as time is concerned. समय की रिस्पेक्ट करें, समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। समय की भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम समय को ऐसे ही जंक चीजों में देखने में वेस्ट करते हैं तो समय भी कहेगा इनको मेरे पास वैल्यू नहीं है, इनके पास मेरे। समय, सो बी वेरी केयरफुल कि वो सब कुछ एक व्यापार है, एक बिजनेस है, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग एट ऑल, दैट्स देयर चॉइस, बट हमें पता तो होना चाहिए ना हमें क्या लेना है, कितना लेना है, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी संस्कृति क्या है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी भाषा क्या है, उसके शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं, वो मेरी संस्कृति बना रहे हैं, मेरे संस्कार बना रहे हैं, और मेरे तो छोड़ो घर के छोटे छोटे बच्चों के बना रहे हैं। इसका अंडू बटन कोई नहीं है, इसका कोई अंडू बटन नहीं है जो अंदर जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल कि इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट आपके घर में क्या चलता है, क्योंकि जो चलता है वो आपके जीवन में चलेगा, सिर्फ टीवी पे नहीं चलेगा। जब ये अवेकनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग एट ऑल, ऐसे ही चला छोड़ा, थोड़े से एपिसोड बनेंगे हो जाएगा खत्म, फिनिश्ड। थोड़े थोड़े एपिसोड के बाद व्हेन आई मेट पीपल एंड वी सो एंड पीपल सेड ये चेंज हो गया हमारे अंदर, ये चेंज हो गया हमारे अंदर,
लेकिन घर बैठे कैसे चेंज हो सकता है? बिकॉज आई फर्मली बिलीव्ड कि आपको सेंटर आना चाहिए, आपको मेडिटेशन सीखनी चाहिए, उसके बिना हमारे अंदर चेंज नहीं आ सकता है. कि नहीं, मेरे अंदर ये चेंज आ गया, मेरे अंदर ये चेंज आ गया, मेरे अंदर ये चेंज. सर, ये घर बैठे कैसे चेंज आता है लोगों के अंदर? दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड. क्योंकि वो लोग जिनके अंदर चेंज आ रहा था उस टाइम, सोशल मीडिया भी नहीं था, वो उस टाइम आधा घंटा हर रोज उसको कंज्यूम कर रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे. सिर्फ आधा घंटा पॉजिटिव कंटेंट को, जिसमें वो तरह की सोच थी, उसको सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम करके बनते जा रहे हैं. मुझे आइडिया नहीं था कि मीडिया का इतना इंपैक्ट होता है. आई मेट पीपल के थ्रू डिप्रेशन ठीक हो गया, मेट समवन का डिवोर्स करने वाला था ठीक हो गया. अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें ठीक होती हैं, बट सिर्फ क्यों? क्योंकि 25 मिनट रोज कंज्यूम कर लिया उसको. एंड दैट इज रियली रिस्की. क्योंकि अगर 25 मिनट कंज्यूम करने में चीजें ठीक हो सकती हैं, तो घंटों घंटों ऑपोजिट कंटेंट कंज्यूम करने में चीजें, अगर स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करने से डिवोर्स रुक सकते हैं, तो ऑपोजिट कंटेंट कंज्यूम करने से डिवोर्स बढ़ सकते हैं. अगर स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करने से डिप्रेशन ठीक हो सकता है, तो ऑपोजिट कंज्यूम करने से डिप्रेशन बढ़ सकता है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे. तो इसलिए सबसे पहले काइंडनेस ये है कि ये जो सुनते पढ़ते हम देखते हैं ना, इस पे स्ट्रिक्ट हो जाए. जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को बोल ही नहीं सकेंगे कुछ करने के लिए. वो तो वैसे भी सुनते नहीं है अभी, कहते यू डोंट टेल मी. और वो जमाना चला गया कि आप चेक कैसे करेंगे कि कोई सुन क्या रहा है. सिर्फ हमें ऑपोजिट कॉन्टेंट अपने घर में ले आना है. तो हम सेंटर पर देखते हैं कि जो परिवार सेंटर पर आना शुरू करते हैं, चाहे फैमिली से एक ही जना आता है सिर्फ, जैसे एक जना फैमिली से सेंटर पर आना शुरू करता है, वो भी कंटेंट है कि हम हर रोज सुबह सेंटर पर आते हैं 7 to 8 सुबह सुबह. जैसे आपको भी सुना है ना, ये ऐसे ऐसे महावाक्य हम परमात्मा की सुन लेते हैं. फैमिली से एक पर्सन आता है, लेकिन वो एक जने के अंदर का वो कॉन्टेंट से जो चेंज है ना, वो चेंज बहुत बड़ा क्रिएट होना शुरू हो जाता है. इतना चेंज क्रिएट होता है कि जीवन की जो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके लिए कोई कहेगा कि कोई स्टेबल रह ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, वो उस सिचुएशन में भी बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस कर लेते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट डेली कंटेंट कंजम्पशन, डेली स्पिरिचुअलिटी गोइंग इनसाइड. रोज सेंटर पर आए, उस वाइब्रेशन में बैठे. कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आती है, मस्ट बी इन हर 60s. उनको कैंसर हुआ, वेरी वीक फ्रेल काइंड ऑफ अ पर्सन. ऐसे स्टिक लेकर आती है रोज सेंटर पर. फिर उसको कैंसर हुआ, उनकी कीमो चल रही थी, उसकी डॉटर को कैंसर हो गया. फिर डॉटर की कीमो चल रही थी, उसके बाद लिवर फेलियर हो गया उसका, डॉटर का लिवर ट्रांसप्लांट कराया यहीं इसी शहर में. लिवर ट्रांसप्लांट नहीं ठीक हुआ, तो वो फैमिली फिर दिल्ली से यहाँ आई. डॉक्टर ने कहा सॉरी वी कांट नाउ डू एनीथिंग. सो वो मदर को पता था कि अब माई डॉटर नॉट गोइंग टू मेक इट. तो उसने क्या किया पता है? उसने सब अपनी फैमिली को बुलाया. शी वॉज दी ओनली वन हू वाज कमिंग टू द सेंटर. पूरी फैमिली को बुलाया, अपने हस्बैंड को, उस डॉटर के हस्बैंड को, ब्रदर को, डॉटर के बेटे को, छोटे को, सबको बुलाया. बेटा बोला, देखो मेरी बेटी है ना सफ़र कर रही है, और ये इसलिए सफ़र कर रही है क्योंकि हम सबके अटैचमेंट इसको जाने नहीं दे रही है. हम सबको इसको जाने देना चाहिए. एंड एवरीबडी इज लाइक, ये कैसी बात करते हैं? सर वी कैन नॉट डू दिस. शी सेड यू कैन नॉट डू, नो प्रॉब्लम, गो आउट, लीव मी अलोन विद हर. She sat with her daughter for 20 minutes. 20 मिनट उसके साथ बैठी, उसको अच्छे से समझाया. डॉटर कॉन्शियस भी सुन नहीं रही है कुछ भी, लेकिन आत्मा सब कुछ सुनती है. उसको बताया, कहते मुझे पता है देखो तेरे बेटे की चिंता है, तो चिंता नहीं कर, हम सब बैठे, हम इसका ध्यान रखेंगे. अच्छे से 15-20 मिनट उसके साथ बात किया, जो जो उसको बोलना था उसको बोला, उसका हाथ पकड़ा, मेडिटेशन किया 25 मिनट्स, सोल लेफ्ट. And she comes back to the center
एंड शी सेज ये मैंने किया कैसे, मेरे पास कहाँ से ये पावर है, ये हाउ डिड आई डू दिस. एंड हर होल फैमिली, शी इज ओनली वुमन देयर, एंड हर होल फैमिली कम्स एंड सेज इसकी वजह से ना हम थोड़ा ठीक चल रहे हैं. एंड वो पूरी फैमिली वो थी जो बहुत ही अगेंस्ट थी जब वो सेंटर आना शुरू किया था. उन्होंने आके सेंटर पर आकर कहते शुक्रिया, ये स्टेबल सिर्फ नहीं रही है, इसने हम सबको भी इस सीन में बहुत पावरफुल और स्टेबल रखा है. जो अपने बच्चे के जाने पर स्टेबल रहे और सिर्फ जाने पर नहीं, उसको जाने समय मुक्ति दे, अटैचमेंट से रोके नहीं, इससे ज्यादा पावर नहीं चाहिए इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए. बट शी डजंट नो फ्रॉम वेयर दैट पावर केम. जैसे ये पावर मेरे पास कहाँ से आई, इसीलिए आई क्योंकि वो रोज आ रही थी, 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 रोज मेडिटेशन कर रही थी, रोज मोटी सुन रही. जिस दिन परिस्थिति आई, पावर अक्यूमुलेटेड है. पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड द डे द सिचुएशन कम्स, वो नहीं हो सकता है. पावर अक्यूमुलेटेड है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी ताकत देती है कि पता है आत्मा सफर कर रही है. ये तो हमारा स्वार्थ होता है जो हम कहते हैं उनको जाना नहीं चाहिए, उनको जाना नहीं चाहिए. और जब आत्मा भरती है, भरपूर होती है, वो निस्वार्थ हो जाती है, कहती है मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, उसको सफर नहीं होना चाहिए, उसको जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट. अटैचमेंट अपने बारे में सोचती है, प्यार दूसरे के बारे में सोचता है. लेकिन वो पावर चाहिए. सो काइंडनेस तो एक अलग लेवल पर चली जाती है कि आप इतना काइंड बन सकते हैं कि जो जा नहीं पा रहा अपने शरीर छोड़कर, उसको आप शरीर छोड़ने की शक्ति देकर भी जब भेज सकते हैं, इतनी काइंडनेस है, कंपैशन है. बट ये कैसे है, इसके लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ रोज स्टडी, रोज स्टडी, रोज. जो अंदर चला गया वो एक दिन कर्म में आ जाएगा, वो एक दिन कर्म में आ जाएगा. इसीलिए सबसे पहले काइंडनेस ये चाहिए कि बहुत ध्यान रखें कि हम दुनिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं. हम इतने सारे आज सीरियल्स हैं, सीरीज हैं, क्या उनमें भाषा है, क्या उनके शब्द हैं, और हम कहते हैं ये एंटरटेनमेंट है. बहुत जल्दी यू विल फाइंड योरसेल्फ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज एंड वर्ड्स विल क्रिएट योर डेस्टिनी. अब काइंड लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए ऐसे ही सोचने से नहीं हो जाएगा, हमें उस क्वालिटी का कंटेंट भी अपने अंदर भरना पड़ता है. इसीलिए अब हम कहते नहीं, हम घर पे देख लेते हैं, हम टीवी पे देख लेते हैं, वो भी अब वर्क नहीं करेगा, वो ईरा भी खत्म हो गया. अब की जो हवा है ना, उसमें इतना दर्द है, इतना दुख है कि वाइब्रेशन इतनी नीचे आई है सृष्टि की कि जिन लोगों के घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी लो फील कर रहे हैं. डर लग रहा है, चिंता हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, बिकॉज दैट्स थॉट्स इन द एयर. और आने वाले समय में ये जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है सृष्टि की, ये थोड़ी और नीचे जाएगी, ये और नीचे जाएगी. और जब ये और नीचे जाएगी, यहाँ पे और असर करेगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे सही हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करते रहें, क्या करते रहें, ऊपर करते रहें. बस इतना काइंड हो जाओ अपने आप के साथ, ये अपने आप को गिफ्ट देना है. जैसे गाड़ी है ना, स्लोप पर है, और सडनली 2 सालों में वो स्लोप थोड़ी और स्टीप हो गई है. अब जैसे ही स्लोप स्टीप हो जाती है, अटेंशन और चाहिए ड्राइविंग में. धीरे धीरे चले लेकिन ऊपर की तरफ चले. अगर गाड़ी रुक भी गई ना, सिर्फ अगर गाड़ी रुक गई, मतलब जहाँ है वहीं चल रहे हैं, ये रुकी हुई नहीं रहेगी, ये नीचे खिंच जाएगी. बिकॉज नीचे बिलियंस ऑफ माइंड्स है और उनकी बहुत हैवी एनर्जी है, वो नीचे खींच देती है, वो नीचे खींच देगी. सो अब जो हम समय में चल रहे हैं और आने वाला अब जो समय है, अब जो नीचे जाएगा वो और भी फास्ट जाएगा. 30 ईयर्स में इतना नीचे गए, बट अब नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में यू सी इट हैपनिंग वेरी फास्ट. इसलिए बिकम अ गिफ्ट टू मैनकाइंड. आपके एक के चेंज से बहुतों के ऊपर चेंज आता है.
हमारा एक चेंज कभी भी हमारा अपना नहीं होता है, उसका रिपल इफेक्ट और वाइब्रेशन बहुतों पर जाता है। अगर आप कल सुबह सिर्फ उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करिए, जस्ट डू दिस, आपको लगेगा वो 15 मिनट आपका अपना था, आपने 15 मिनट किया, लेकिन उस 15 मिनट में जो आपने वाइब्रेशन क्रिएट की ना, वो पता नहीं कहाँ 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 तक फैल जाएगी। इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी होती है, किसी और की बॉडी नहीं हेल्दी हो जाती हमारी एक्सरसाइज करने से। लेकिन जब हम माइंड के लिए कुछ करते हैं ना, बिकॉज इट्स एनर्जी, इट्स नॉट फिजिकल, बाकी सारी चीज़ें फिजिकल हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ भी शिफ्ट लाएंगे ना, इट्स वाइब्रेशन, इट्स एनर्जी, वो यहाँ जाएगी। सबसे पहले आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। हमारे घर ऐसे होने चाहिए अब कि हमारे घर में आके भी लोगों को सुकून महसूस हो, होना नहीं चाहिए। घर में आए लोग आए फील वेरी पीसफुल कमिंग टू योर हाउस, ये प्रायोरिटी बना लो। हम सारा दिन देखते हैं अभी मैं कौन सा फर्नीचर चेंज करूँगी, मैं क्या नया लाऊँ, नई चीज़ें नहीं चाहिए, नई वाइब्रेशन चाहिए अभी। तो रोज सुबह से अपने घर में कुछ ऐसा करें जिससे घर की वाइब्रेशन क्या होती जाए, और घर में से वो सारी चीजें निकालें, मतलब वो सारी बातें निकालें जो घर की वाइब्रेशन को क्या करती है, नीचे लाती है। एक जना कुछ बोल रहा है, दूसरा चुप हो जाए थोड़ी देर, एनर्जी बच जाएगी, जस्ट शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। आपकी एनर्जी बचेगी, उनकी एनर्जी बचेगी, घर की एनर्जी बचेगी, घर में जो बाकी रहने वाले हैं उनकी एनर्जी बचेगी। कितनी एनर्जी बचती है अगर सिर्फ मैं क्या हो जाऊं। इसीलिए बचपन से सीखते थे एक चुप, आगे की लाइन क्या है, आगे की लाइन नहीं बता आपको, एक चुप सौ सुख, ये कहावत थी, एक चुप सौ सुख। और वो एक चुप अगर मैंने नहीं किया उस टाइम पे, तो 100 दुख, भाई वो मंडल ही दूषित हो जाता है पूरे घर का। आपको पता है पहले जब हम प्रोग्राम्स करते थे ना, लोग कहते थे ओ फ्राइडे वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज सैटरडे संडे आता है, मंडे इज लाइक, कहते थे ना मंडे ब्लूज, अभी दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन। अभी किसी को पूछो कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे टू संडे, तो ऐसे सोचते हैं कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर फाइनली बहुत लोग कहते नहीं मंडे टू फ्राइडे ठीक है ऑफिस में, या लॉट ऑफ पीपल मंडे टू फ्राइडे इजियर टू मैनेज। क्यों लॉकडाउन में इतनी सारी बातें हो गई घरों के अंदर, वो वरदान मिला था जो कितने सालों से मांग रहे थे, when will I sit at home, when will I not have to travel, when will I spend time with my family, when will I be with my children, इतना मांगा इतना मांगा इतना मांगा कि तथास्तु हो गया। और जैसे ही वो तथास्तु हो गया, एक महीना तो बहुत अच्छा था, अगर when will I go to work, when will I travel, when will I go out, I cannot sit at home। तो अपने घर में अपने ही परिवार के साथ अपने ही बच्चों के साथ रहने का चांस मिला था, पता नहीं फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक सर्वे आया, 4 शहर दिल्ली बॉम्बे एंड आई थिंक बैंगलोर हैदराबाद, 4 पोस्ट कोविड 50% राइज इन डिवोर्स एंड 30-40% राइज इन मेंटल हेल्थ इशू, 4 सिटीज। Survey done with jurists and with mental health professionals. क्यों? क्योंकि हम बंद थे एक जगह पर, हमें एक्चुअली एक दूसरे के संस्कार इतने पता ही नहीं थे जितने लॉकडाउन के अंदर पता चले। तो एक जरूरी है तुम्हारी नेचर ऐसी है, बट कुछ लोगों ने उसी में सिचुएशन वही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसी में जो रिश्ते बिगड़ रहे थे ना, घर को स्वर्ग बना लिया, because they got time to be with each other, to do things together. So situation वही होती है, लेकिन उस situation से या तो मैं अपने जीवन को नर्क बना दूँ, या वो situation से मैं अपने जीवन को स्वर्ग बना दूँ, वो यहाँ decide होता है, situation से नहीं decide होता, नहीं decide होता है। तो situations और भी आएंगी, घोर कलयुग है, situations और आएंगी। अपने घर के वातावरण को high vibrational वातावरण बनाना शुरू करते, purity वाला,
प्योरिटी वाला। पहले जब ये सारे खिलौने नहीं थे तो सुबह सुबह घर की शुरुआत कैसे होती थी? जस्ट लेट्स रिवाइंड 30 years बैक, नो फोन, नो टीवी, नो रेडियो, नथिंग। तो सबसे पहले घर की शुरुआत में क्या होता था? घर में क्या होता था? पूजा होती थी, भजन चलता था, योगा होती थी, प्राणायाम होता था, ध्यान होता था, मेडिटेशन होती थी, सत्संग होता था, सब कुछ। बस समाज डिफरेंट। सुबह वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब सुबह की शुरुआत में अगर सही हो गई एनर्जी तो सारा दिन सही रखना। अभी तो सुबह सुबह अभी भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन पहले उठते फोन देखते सब कुछ देख लेते हैं फिर भगवान को याद करते हैं, तो तब तक ये ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया होता है। फिर हम कहते हैं बैठे तो थे लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, अब हम उठ गए, देर हो गया। हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें बस वो करना है जो हम किया करते थे। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, क्योंकि हम लास्ट जेनरेशन है जिसको वो पता है। आपके बच्चे ऐसे देखते होंगे आपकी तरफ, मतलब आपके पास फोन भी नहीं था, बोलते हैं कि नहीं ऐसे, आपके पास फोन भी नहीं था, आपके पास टीवी भी नहीं था, आप जीते कैसे थे? तो हम उनको बोलते हम इसलिए जी पाते थे, हमारे पास स्ट्रेस भी नहीं था, फियर भी नहीं था, एंग्जाइटी भी नहीं थी, तो आप इन चीजों के साथ जीते कैसे हो? सो वी आर द लास्ट जेनरेशन हु नोज दिस। If we don't hand it over, it's over. Sanskriti washed out हो जाएगी। हमें पता है कि सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, हमें पता है रात को सोने से पहले झगड़े नहीं होने चाहिए, रात को सोने से पहले नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, हमें पता है कि खाना कैसे बनाना चाहिए, हमें पता है कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, टीवी का रिमोट नहीं ढूंढना चाहिए, ये हमें पता है। लेकिन हम ही निमित्त बने हैं इन संस्कारों को चेंज करने के, और हम ही निमित्त बनेंगे फिर से इन संस्कारों को चेंज करने के। सारी दुनिया कह रही है भारत विश्व गुरु। इस हफ्ते मंडे 15th अच्छे से सेलिब्रेट किया, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि भारत अब ऐसा क्या करने वाला है, भारत ने क्या कर लिया 75 साल में, दैट्स ब्यूटीफुल, लेकिन भारत अब ऐसा क्या करने वाला है जो विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु मतलब जो विश्व को अज्ञान के अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। भारत मतलब भारतवासी, बाकी देश क्या होता है, लोग। तो भारत ऐसा क्या करने वाला है? भारत को कुछ नहीं करना है, हर भारतवासी को क्या करना है, जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति को फिर से पकड़ने है। तो जब हम सेंटर पर आते हैं ना ब्रह्मा कुमारी, इसमें लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। एंड अब नाउ व्हेन आई सिट बैक एंड सी, एक्चुअली वो सारी लाइफस्टाइल है जो पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल क्या चेंज हुई? रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। कितने बजे उठना चाहिए सुबह? कितने बजे उठना चाहिए सुबह? कितने बजे उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। हमें से कौन कौन अच्छे अच्छे काम मुहूर्त निकलवा के करते हैं? सब करते हैं, मैं नहीं करते, हमें से कोई नहीं करता, क्योंकि हर समय मुहूर्त अच्छा है अगर आपके मन का मुहूर्त ठीक चल रहा है तो। बहुत सारी चीजें अच्छे मुहूर्त टाइम पे होते हैं, फिर कोर्ट में जाके फाइलें क्यों बढ़ती जा रही है? मुहूर्त पे किया था, जन्म पत्री मिला के किया था, घर वास्तु से बनाया था, दुकान वास्तु से बनाई थी, सब कुछ तो करके देखा था, एंड रॉन्ग नहीं है, इट्स ऑल गुड साइंस, लेकिन इट कांट स्टॉप देयर। सिर्फ उतना करने से नहीं हो सकता है। हमें लगा ये कर दिया अब सब ठीक हो जाएगा, ये तो सिर्फ छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। रिश्ता निभाने वाला कौन है? मन।
बिजनेस करने वाला कौन है? मन। उस घर में रहने वाला कौन है? मन। अगर उसको ठीक नहीं किया तो भले घर का डायरेक्शन ठीक हो पर मन का डायरेक्शन तो ठीक होना चाहिए ना। तो सुबह सुबह का जो मुहूर्त टाइम है उस समय हम सो रहे हैं और घोर कलयुग में तो हम सो नहीं रहे, उस टाइम सोने जा रहे हैं। आजकल तो पहले बड़े आराम से बोलते हैं, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? बाय 3 or 4। आई सेड 3 or 4, आई सेड नॉट वेक अप, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? 3 or 4। कल प्रोग्राम में एक भाई साहब मेरे कहते, मेरी बेटी को बताओ मुझे बाबा जी कहते हैं कि मैं योगी बाबा जी। मैंने कहा व्हाई डू यू से दिस टू योर फादर? शी सेइंग लुक एट हिम, ही स्लीप्स एट 10 o'clock। उसने फादर के साथ लुक एट हिम, ही स्लीप्स एट 10 o'clock। यू सी कितना बड़ा स्टिग्मा है। और क्योंकि उस साइड की पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो ये जो इस साइड वाले बड़े ऐसे वाला फील करते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमें सबको इस साइड वाली पॉपुलेशन को क्या करना है? बढ़ाना है। और अगर आप वो एक हैं जिसका दुनिया मजाक उड़ा रही है, देन टेल योरसेल्फ आई एम ऑन द राइट साइड। अगर आप वो एक हैं जिसको दुनिया कह रही है यू आर वेरी ओल्ड फैशन, देन यू आर ऑन द राइट साइड। अगर आप वो एक हैं जिसको सब कह रहे हैं कि नहीं आप बहुत कूल हो, देन यू आर डेफिनेटली ऑन दैट साइड। क्योंकि कूल आजकल बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। आजकल तो शब्द ऐसे यूज करते हैं बच्चे, वोकैबुलरी तो नॉर्मल वोकैबुलरी भी नहीं रही, हाई वाइब्रेशनल तो अलग बात, नॉर्मल। और अगर दूसरा बच्चा नहीं यूज करता, यू आर नॉट कूल। सबसे पहले तो एक दूसरे को मिलके हाय बोलते हैं, ये भी शब्द है। आज से हाय नहीं बोलना, हाय नहीं बोलना। हाय का मीनिंग क्या होता है? हाय का मीनिंग क्या होता है? हाय, दूसरा कहता है हाय, तीसरा कहता है हाय, पांचवा कहता है हाय। तो एक सेकंड में हाय 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 हो गई, हाय हाय करके फिर जीवन हाय हाय हो गई। शब्द हम यहाँ आते सेंटर में कहते हैं ओम शांति, दूसरा भी कहता है ओम शांति, तीसरा भी कहता है ओम शांति, पांचवा कहता है ओम शांति। एक सेकंड के लिए अंदर शांति शांति शांति, एनर्जी चेंज हो जाती है। आप कहो हाय हाय हाय, एनर्जी चेंज हो जाएगी। एवरी वर्ड छोड़ दें हाय बोलना, छोड़े हाय बोलना, लो एनर्जी वर्ड्स नहीं बोलने हैं। हमारी संस्कृति में बहुत प्योर शब्द है एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। ये हाय शब्द हमारी संस्कृति का है ही नहीं। तो ऐसा जीवन जिए कि दूसरे देश संस्कृति को कॉपी करके अपना भी उद्धार कर लें, ना कि हम छोड़ दें फिर वहां से लें और वो हमें सिखाने आए। आजकल विदेश से लोग सिखाने आते हैं 5 AM लीडरशिप क्लब कि सुबह 5 बजे कैसे उठना है, वो हमें सिखा रहे हैं जो हमें हजारों सालों से पता है। सो ऑल दैट वी हैव टू डू, नथिंग न्यू। जो पता है उसको सिर्फ क्या करना है? फिर से करना शुरू करना है। आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए समय का बहुत बड़ा महत्व है कि रात को जल्दी सोना और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठना। सुबह के टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर इधर होगी। आपकी लाइफ में कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच। माइंड में कोई कंफ्यूजन है, आंसर चाहिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच। माइंड फोकस्ड नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, सुबह 4 से 5 बजे के बीच। इट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम। हवा की एनर्जी अलग होती है उस टाइम। तो उस टाइम जो सोया वो खोया, मुहूर्त टाइम निकल गया। क्यों पंडित जी बोलते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुहूर्त टाइम निकल रहा है, बोलते हैं वो जल्दी करो जल्दी करो। वो नहीं भी कोई पहुंच रहा होता, कहते हैं उसको छोड़ दो, मुहूर्त टाइम नहीं निकलना चाहिए, व्यक्ति छोड़ दो बड़े। द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट टाइम। तो इसलिए खुद करें, भले आपके बच्चे ना करें, उनको ना बोले जाकर करने के लिए, बस खुद करें। और खुद करके उस घर में ऐसी वाइब्रेशन रेडिएट करें कि उनको वो शक्ति मिलेगी और धीरे धीरे वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। कर सकते हैं रात को 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। चलो 4 नहीं 5, 5 ठीक है, 5 ठीक है।
पांच ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज करेगा, रात को 10 बजे सोने के लिए 8 बजे के बाद अपना वर्क कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। नो फोन, नो ईमेल, नो बिजनेस कॉन्वर्सेशन, नो वर्क कम्युनिकेशन, 8 बजे बंद कर दीजिए। 9 बजे बाकी सारी नेगेटिव चीजें देखना सुनना बंद कर दीजिए। खाना रात का जल्दी खाइए और हल्का खाइए, सात्विक खाइए, और फिर 10 बजे सो जाइए। आप 4 बजे के बाद सो ही नहीं पाएंगे, अपने आप नींद खुल जाएगी, अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही सोना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम सोने तक ईमेल, फोन्स, ये बिजनेस, ये सारी बातें कर रहे हैं, फिर न्यूज भी देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो गया आज सारा दिन के अंदर, फिर सीरियल भी देख रहे हैं जिसमें घर टूट रहे हैं, ये सब कुछ भर के अपने अंदर, फिर अगर सोए फिर तो अलार्म भी बज के खत्म हो जाएगा। हैवी कॉन्टेंट फॉर द माइंड और फॉर द स्टमक, ये दोनों चीजें हमें रात को सोने नहीं देता ठीक से। गट एंड माइंड इज कनेक्टेड, अगर हैवी खाना खाया होगा तो माइंड पर असर होगा, अगर हैवी कॉन्टेंट कंज्यूम होगा तो स्टमक पर असर होगा। ये दोनों चीजों को लाइट रखो, इंजन इंजन। सो ये दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। रात को लेट आना, आते हैं 7, 7:30, 8 बजे तक, कहते हैं अब हम पहले आके चाय पीते हैं, फिर स्नैक्स लेते हैं, फिर 9:30-10 बजे हम खाना खाते हैं। खाना एक ही होता है जो घर पे खाते हैं, तो वो सबसे हमारा हैवी खाना बन जाता है। दीज आर दीज छोटी छोटी चीजें विच आर क्रिएटिंग वेरी बिग कॉन्सिक्वेंसेस। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क एफिशिएंसी। अब आ गए ना 7, 7:30 बजे घर, खाना खा लो, खाना खा लो, लाइट खा लो। 10 बजे से पहले डाइजेशन खत्म हो जाएगा। अगर 10 बजे से पहले डाइजेशन खत्म हो गया तो आपको सोना 2 घंटे कम पड़ेगा, क्योंकि आपका काम पहले ही हो चुका है पूरा। दैट इज अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, दिस इज अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, डीप स्लीप एक्सपीरियंस होगी। डीप स्लीप, इट इज नॉट अबाउट हम कितने घंटे सोते हैं, इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। कई लोग 8 घंटे सो जाते हैं लेकिन डीप स्लीप का एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले चेक करें सुबह उठते कैसा फील होता है, सुबह उठते कैसा फील होता है। अगर सुबह उठते ही थोड़ा और सोने का मन करता है, डीप स्लीप नहीं थी, क्योंकि मतलब माइंड अभी और सोना चाहता है, थका हुआ है। क्यों थका हुआ है? क्योंकि उसको सोने से पहले इतना काम दिया था। कौन कौन रात को नींद खुली तो बीच में तब भी फोन देख लेते हैं, मतलब 1:30-2 बजे तक जो भरा था वो सेटल हो ही रहा होगा, तो बीच में उठ के और इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसको। हम सब तब भी जीते थे जब ये खिलौने नहीं थे, तो इनको यूज करना है। लेकिन इनको मिस यूज कर दिया तो जिसने ये फोन बनाया होगा ना, जिसने भी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लोग इसको ऐसे पकड़ के चलने वाले हैं अपने साथ। उसने हमारी लाइफ को सिर्फ कंफर्टेबल बनाया कि भाई लैंडलाइन तो आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, तो एक आपको और चीज देते हैं, तो बाहर जाओगे तो काम आ जाएगी थोड़ी सी। हम तो उसको अपने तकिए के पास रख के सोते हैं, अपने यहाँ पकड़ते हैं, थोड़ा भी घूम गया तो परेशान हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट कॉल्ड साधन को यूज करना, दिस इज कॉल्ड साधन पर डिपेंडेंट हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं साधन को यूज करो, लेकिन साधन को आप कंट्रोल करो, साधन आपको नहीं कंट्रोल करे। तो एक टाइम के बाद फोन ऑफ, स्टाइल पे हर फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशंस तो कभी ऑन होने नहीं चाहिए, कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो हर थोड़ी देर के बाद टिक टिक जो बचता है ना, ये हमारे को ये रियलाइज करता है सब कुछ अर्जेंट है, सब कुछ अर्जेंट है। टिक बजता है जाते हैं, टिक बजता है जाते हैं, थोड़े दिन के बाद बिना फोन पे बजे आपके अंदर बजेगा वो, और बजता है आपको लगेगा कुछ बजा है, जाके फोन पे चेक करेंगे कुछ बजा नहीं होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट द फोन, वो आपका संस्कार क्रिएट करता है बार बार उसके पास जाने के लिए, बार बार उसके पास जाने के लिए। नोटिफिकेशन क्यों चाहिए होता है? साइलेंट। किसी के यहाँ कोई अर्जेंट होगा तो वो क्या मैसेज करेगा? कुछ अर्जेंट हो जाएगा कहीं तो कोई मैसेज करेगा?
वो फोन करेगा और अगर किसी ने मैसेज किया तो वो अर्जेंट नहीं है, रिलैक्स, दिस इज रिलैक्स्ड, इजी रहकर करें। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बी काइंड टू योरसेल्फ इन दिस। और रात को सोने से पहले एक घंटा पहले इन सारी चीजों से स्विच ऑफ हो जाना है। सोने से पहले मेडिटेशन करके सोना है, सारा दिन का यहाँ जो क्लटर क्रिएट हो गया था उसको साफ करना है। परमात्मा को एक लेटर लिखो, आज जो जो हुआ, मेरे से कोई गलती हुई, मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, आई फॉरगिव देम। राइट अ लेटर एंड रिलीज योर इमोशन। इसीलिए लोग जर्नल लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, ये लिखने से ना सारा दिन का जो अक्यूमुलेटेड होता है वो रिलीज हो जाता है, तब गहरी नींद आती है। फिर सोने से 10 मिनट पहले कुछ बहुत प्योर शब्द सुने, पढ़े या देखें, जस्ट सोने से पहले। जो लास्ट शब्द आप लेंगे सोने से पहले, वो सारी रात आपके ऊपर वर्क करेंगे। तो लास्ट शब्द बिजनेस ईमेल नहीं हो सकता, वर्ल्ड न्यूज नहीं हो सकता, सोशल मीडिया हैंडल नहीं हो सकता, लास्ट शब्द होते हैं परमात्मा, फेथ, कंपैशन, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो। ये लास्ट शब्द डाल दीजिए सोने से पहले। अब आप सो जाइए, आपको कम घंटों में गहरी नींद अनुभव होगी, एनर्जाइजिंग हो जाएगा। आप 5 बजे उठना चाहेंगे लेकिन आप 4 बजे उठ जाएंगे और उठकर आपको सारा दिन बिल्कुल थकावट का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, क्योंकि थकता शरीर नहीं है, थकता मन है। इस मन को एनर्जाइज कर दो तो ये पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक है। तो यूज करना चाहिए ना, ब्रह्म मुहूर्त टाइम को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। फिर सुबह उठते ही पहली चीज 1 घंटा कम से कम फोन नहीं देखना चाहिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं, आप अज्यूम करो कि आप 6 बजे उठे हैं, पर 1 घंटा फोन नहीं देखना है। उस समय की ग्रहण शक्ति बहुत हाई होती है। बी वेरी केयरफुल कि आपके माइंड पे क्या जाता है पहले 1 घंटे के अंदर। तो वो समय है परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन करना। यू वॉन्ट टू बी नाइस टू योर सेल्फ, क्रिएट अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द डिवाइन। परमात्म शक्ति को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। परमात्मा हमारा साथी है, हर क्षण वो हमारे साथ हो सकता है। अगर हम उस तरह का रिश्ता उसके साथ बनाते हैं तो सुबह सुबह उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, उसको अपनी सारी चीज शेयर करें, उसकी शक्ति को अपने अंदर भरें। फिर आधा घंटा कम से कम ज्ञान की बातें अपने अंदर भरे। उस 1 घंटे के बाद योर वाइब्रेशन इज योर, यहां पहुंच जाती है, नाउ कम इनटू द वर्ल्ड। 1 घंटा अपने आप को देना इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट केयर फॉर एवरीबडी एल्स। फ्लाइट में क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा तो किसको पहले लगाना है, खुद को। कभी सोचा है, कभी इसको विजुअलाइज करना चाहिए कि आपका बच्चा यहाँ बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, वो प्लेन ऐसे ऐसे हिला, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा, आप लगा पाएंगे अपने आप को उसको लगाना। बट वो रोज बोल रहे हैं, हर फ्लाइट पे बोल रहे हैं। सिंपल मीनिंग है कि हम किसी का ध्यान रख ही नहीं सकते जब तक हम खुद का ध्यान नहीं रखते। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ केयर। आज हम सारा दिन कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए, क्योंकि हम दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। दूसरों का ध्यान अपना ध्यान रखे बिना हो ही नहीं सकता। हम काम कर सकते हैं दूसरों के लिए लेकिन उनको शक्ति नहीं दे सकते। आज आपका बच्चा आपके सामने आके बैठ जाए फीलिंग वेरी लो, आप उसको सारी चीज़ें दे सकते हैं, आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप उसकी शक्ति को बढ़ा दें। और इसीलिए जब बच्चा लो होता है तो अपने वो पेरेंट्स से भी दूर हो जाता है, कहते लीव मी अलोन, क्योंकि पेरेंट्स चिंता करते हैं उस बच्चे के लिए। और जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं तो वो चिंता उस बच्चे तक पहुंचती है, और जो बच्चा लो था वो उस चिंता की वजह से क्या हो जाता है, कहते प्लीज बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हम कहते नहीं, हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, वॉन्ट टू बी विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू जस्ट नाउ, मैं जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा तब आपके पास आ जाऊंगा। इसका मीनिंग सिर्फ इसलिए
क्योंकि हमारे से उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है, दर्द की एनर्जी मिल रही है। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है लेकिन हमारी चिंता, हमारा दुख, हमारा अपना स्ट्रेस उसके दर्द को बढ़ा देता है। फिर वो उनको जाकर बाहर किसी और से बात करनी पड़ती है। फिर इतने सारे हमें काउंसलर चाहिए क्योंकि वो बात करते हैं, वो राय देते हैं, वो समझाते हैं। लेकिन काउंसलर तो हम सब भी हो सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं हम काउंसलर? दवाई नहीं देनी है लेकिन सुनकर, किसी की बात को समझकर उसको पावर देना, ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं। नीड ऑफ द आवर, हम सबको ये बनने की जरूरत है। लेकिन वो बन सकेगा जो अपने बच्चे की बात सुनते हुए स्टेबल रहेगा, क्योंकि काउंसलर हमेशा स्टेबल रहता है। काउंसलर ये नहीं कहता ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तुमने ऐसे कर दिया, लोग क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में। बच्चा कहता छोड़ दो, मैं बाहर जाता हूँ बात करने के लिए। काउंसलर कहेगा ऐसे हो क्या, कोई बात नहीं, बैठो, सब ठीक हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस, कहते हैं कुछ नहीं होता ऐसा कर दिया आपने तो, होता रहता है ये सब कुछ, चलो अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ। That's it. क्योंकि काउंसलर स्टेबल रहा, उसके बच्चे के प्रति रिस्पेक्ट हिली नहीं, वो जजमेंटल नहीं हुआ कि तुमने इतनी बड़ी पाप और गलती कैसे कर दी। बच्चा उसके सामने बैठकर हर बात करने के लिए रेडी। तो क्या चाहिए बच्चे को, पेरेंट कैसा चाहिए? स्टेबल, पावरफुल, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, ओनली गिविंग। लेकिन पेरेंट ऐसा कब बनेगा, जब पेरेंट खुद अपने आप को सुबह सुबह क्या करेगा, एनर्जाइज कर लेगा, स्ट्रेंथन कर लेगा, स्टेबल बना देगा, तो वो सबके लिए गिवर बन जाएगा। तो जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं वो सिर्फ आपके लिए है ही नहीं, उसका बेनिफिट तो मल्टीफोल्ड होता है, मल्टीफोल्ड होता है। और जब हम ये नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कैसे हम अपने परिवार वालों का दर्द एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ा देते हैं खुद दर्द में रह के, हम उनका दर्द बढ़ा देते हैं। नहीं होता ऐसा, होता है नहीं होता? तो फिर दिया जलाकर दूसरों का दिया जलाना मतलब खुद की शक्ति बढ़ाकर फिर वो शक्ति से दूसरों को भी शक्ति देना। एक मुरली में परमात्मा ने कहा ऐसा समय आने वाला है जहां लाखों लोग सामने खड़े होंगे और वो कहेंगे बस एक मिनट मुझे शक्ति और सुख का अनुभव करा दीजिए। मतलब अकाल आ जाएगा ऑफ पीस एंड पावर। और फिर परमात्मा ने कहा आप लोगों के पास उतना सुख और शक्ति का स्टॉक होना चाहिए कि आपसे मिलकर सामने वाले को एक मिनट में शक्ति मिल जाए। और ये हो सकता है, बहुत इजी, बिकॉज इट विल बी इन योर वाइब्रेशन, इट विल बी इन योर ऑरा, वो दूसरे को मिल जाएगा। So it's the need. So इसलिए सबसे पहले अपना नाम लिख लें, रात को अच्छे से टाइम पर सोएं, सुबह टाइम पर उठें, सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान और मेडिटेशन से करें, फिर सारा दिन उसको कर्म में लेकर आए। सुबह भर लिया, फिर सारा दिन क्या था, एक हिम्मत, दूसरा अटेंशन। तो अटेंशन के हर कर्म में मेरी भाषा कैसी होगी, प्योर। और वो ईजी हो जाएगी क्योंकि सुबह सुबह वो भाषा भर ली थी, सोचने का तरीका बदल जाएगा। दूसरों के बारे में क्रिटिकल एंड जजमेंटल थॉट्स हमारी शक्ति को घटाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और अगर आप एक दिन ये ना सोचेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको देखेंगे आपके पास इतना टाइम हो जाएगा क्योंकि वेस्टेज कुछ नहीं हो गया। सिर्फ एक दिन आज करके देखें, ये ऐसा है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, जस्ट वन डे व्रत, ऐसा नहीं सोचना है, जस्ट सी हाउ लाइट यू आर गोइंग टू फील, हाउ लाइट यू आर गोइंग टू फील। तो छोटी छोटी बातें हैं। और फिर खाना, अन्न को प्रसाद की तरह बनाएं और प्रसाद की तरह खाएं। घर में नियम बना दें कि नो स्क्रीन वाइल ईटिंग, फोन और टीवी खाने के टाइम नहीं हो सकता है। खाना सात्विक खाएं। अगर हम दूसरे को दर्द देकर खाना खाएंगे तो काइंडनेस तो हमारे अंदर फिर कैसे आएगी, कैसे आएगी?
दूसरा रो रहा है, चिल्ला रहा है, पेन में है, हेल्पलेस है, और हम कहते हैं टेस्टी है, ये काइंडनेस है? ये कैसे काइंडनेस होगी? हम कर ही कैसे सकते हैं? हमें रोड पे कोई दिखता है, कोई डॉग दर्द में, हम कहते हैं ओ आई एम फीलिंग वेरी बैड, वो दर्द में है, दैट इज काइंडनेस ना, हम वी वॉन्ट टू हेल्प। फिर जो हमारी प्लेट में आता है वो कितना रो के आया है, वो कितना रो के आया है, हम कहते हैं बट इट इज हेल्थ, तो दूसरों को डेथ देके हम हेल्थ देंगे अपने आप को, ये कौन सा कर्म बनेगा, ये कौन सा कर्म बनेगा, इस कर्म ना मुख, और जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न के अंदर कोई दर्द की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, और अन्न को घर में सात्विक अन्न को प्रशांत की तरह बनाए, जहां तक हो सके अपने घर में बाहर का खाना वो भी किसी का बिजनेस है। अभी देखो वो कैसे हमें सकेट करते हैं, यू ऑर्डर यू विल गेट इन 10 मिनट्स, इफ यू डोंट गेट इन 10 मिनट्स ऑर्डर कैंसिल, बिजनेस है। कभी विजुअलाइज करो कि जो बच्चा वो पैकेट लेकर बाइक चलाता हुआ भागता हुआ आ रहा है, कि अगर उसने 10 मिनट में वो डिलीवर नहीं किया, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वो बच्चा इज क्रिएटिंग इन दोस 10 मिनट्स? वो खाना खाएंगे हम, वो खाना खाएंगे? पहले तो वो बनाते टाइम पता नहीं कौन सी एनर्जी थी, बट लाते टाइम कौन सी एनर्जी थी वो तो बहुत क्लियर है। तो जगह आप पहली बार तो ऑर्डर करना नहीं चाहिए, और अगर ऑर्डर करें तो उनको प्लीज बोल दें मुझे 10 मिनट वाला कोई कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए। इतना हाई प्रेशर में कोई आपके लिए लेकर आएगा ना, वो सारी एनर्जी तो उस खाने के अंदर है, फियर है अगर मैं नहीं टाइम पर पहुंचा तो, पैनिक है, एंग्जाइटी है, फिर वो हमारे पास आ रहा है कह रहे बड़ा टेस्टी है। ये सिर्फ टेस्टी हो सकता अगर है तो, लेकिन इसकी वाइब्रेशन तो बहुत, ऐसा खाना खाने के बाद मुझे डर न लगे या मेरे अंदर वो उस तरह का प्रेशर न क्रिएट हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही नहीं कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, तो प्रसाद खाएं या हाई प्रेशर से बना हुआ खाना न खाएं। प्रॉफिट के लिए बन रहा है वो खाना, किस किस को ये अनुभव है कि आप बड़े से बड़ी जगह पर बड़े से बड़ा हो लैविश इतनी सारी चीजें खा लें, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता जो घर में खाना खा के मिलता। किस किस को कौन अग्री करता है इस बात के साथ? वेरी गुड। और जो घर में खाना खा के सुकून मिलता है उससे भी ज्यादा सुकून मिलता है जब हम प्रसाद और लंगर खाते हैं। सिंपल, नथिंग न्यू, क्योंकि जो प्रसाद और लंगर बन रहा है ना वो सेवा भाव से बन रहा है, वो परमात्मा के शब्द सुनते सुनते बन रहा है। जो घर पे खाना बन रहा है ना वो भी बहुत प्यार से बन रहा है, लेकिन कई बार कुछ अटैचमेंट से बनता है, मेरे बच्चे को ना यही अच्छा लगता है तो यही बना ले, ऐसे वाली थॉट क्रिएट करके नहीं बना, अटैचमेंट चले जाते खाने के अंदर। परमात्मा के बच्चे हैं ये, मैं इस घर में सेवा पर हूँ, मुझे परमात्म शक्ति भरकर ये खाना बनाना है, तो घर का खाना की वाइब्रेशन और ऊपर चली, पहले ही बहुत ऊपर है लेकिन वो और ऊपर चली जाएगी। एक एक रोटी बेलते हुए अगर बेलते हैं तो, एक एक पेड़ा ऐसे करते थे पहले, तभी हम लोग थोड़े स्ट्रांग हैं, हम सबकी मदर्स ऐसे करते थे, एक एक पेड़ा बनाते हुए, ये प्यार है, इसमें शक्ति है, इसमें दुआएं हैं, ऐसा तब हमारी ये हालत है। तो अभी आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि जो बच्चे ये डब्बे का खाना खाते हैं ना, जो भाग भाग के आते हैं, ये 20 ईयर्स बाद इनकी क्या हालत होगी, एंड देयर विल बी नो यू टर्न दैट टाइम। तो थोड़ा सा घर में खाना बनाना शुरू करें, नहीं बना सकते तो रसोई में जाके खड़े होना शुरू करें, वाइब्रेशन दें, और घर में परमात्मा के शब्द रसोई में चलने को कंपल्सरी करते हैं। क्या करना है, छोटा सा फोन रखना है वहाँ, छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट रखना है जिसपे वो चलते जाए, बस चलते जाए चलते जाए। नहीं तो जो आपके लिए खाना बना रहा है, सपोज वो फिल्म के गाने देख सुनते हुए खाना बना रहा हो यहाँ से तो, या वो किसी से फोन पे बात करते हुए गॉसिप करते हुए खाना बना रहा हो तो आपको लगेगा हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन वो घर के खाने में बहुत सारा। तो बी वेरी वेरी यू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, ये छोटी सी स्ट्रिक्टनेस
इतना रिजल्ट लेकर आती है। तो प्रसाद बनाए, फिर उसके साथ उसको बैठकर प्रसाद लगाए, ऑफर करें, परमात्मा की शक्ति उसमें भरें, फिर खाने से पहले परमात्मा को याद करें, वो शक्ति उसमें डालें, सब फोन टीवी ऑफ करें, एक भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। 2 महीने ये करें, आपके घर के हर फैमिली मेंबर की यहाँ की स्थिति चेंज होने लग जाएगी। इतनी पावर है इन छोटी छोटी चीजों में। इन छोटी छोटी चीजों से ही हमारी संस्कृति इतनी रिच है, और ये छोटी छोटी चीजें ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगी। छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बड़े बड़े सोल्यूशन नहीं चाहिए होते, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए छोटे छोटे सोल्यूशन चाहिए, और ये छोटे छोटे सोल्यूशन ही एक सात्विक प्योर मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है। सो राजयोग इज नॉट हाफ एन आवर, 1 आवर, राजयोग इज 24 आवर्स। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। तो इस लाइफस्टाइल को सीखें जरूर, और इन संकल्पों को कैसे क्रिएट करना है, अपनी भाषा को इतना प्योर कैसे बनाना है, अपने शब्दों को और ऊपर कैसे उठाना है जिससे हमारे शब्द एक दुआ बन जाए, ये कैसे करना है, वो भी सीखिएगा जरूर। तो इसलिए अगर अभी तक हमने मेडिटेशन नहीं सीखा है तो हम कल से सीखना शुरू कर देंगे। रेडी सीखने के लिए? रेडी सीखने के लिए? यस एवरीबडी, हाथ से भी कर सकते हैं। सेंटर पर कल से 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स रखा है। 3 दिन मतलब 1 आवर ओनली, 1 घंटा, 1 घंटा 3 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जो गाम देवी में सेंटर है वहाँ पे 3 टाइमिंग रखे हैं, ताकि आपको जो टाइम सूट करे, सुबह 8 से 9 या सुबह 11 से 12 या शाम को 7 से 8, तीनों में से कोई भी टाइम, 8 to 9, 11 to 1, 11 to 12, 7 to 8, इस तीनों में से कोई भी टाइम 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालना है सब। बट आप जहाँ जहाँ रहते हैं आप अपने नज़दीक के सेंटर पर जाएंगे, जैसे कोलाबा है, काम देवी है, दादर है, प्रभा देवी, जो भी या जिस भी सेंटर से आए नज़दीक, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ नज़दीक सेंटर है, विद इन 3 किलोमीटर्स। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ क्या करना है, 1 घंटे का टाइम निकालना है। आप सबके पास कार्ड्स थे, कार्ड्स पे फ़ोन नंबर था सेंटर का, तो फ़ोन करके भी आप अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस पूछ सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पे तो सारी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। सो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल के ये मेडिटेशन, स्व को कैसे पहचानना, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को कैसे इमर्ज करना, परमात्मा से कनेक्ट करके शक्ति कैसे भरना, ये हम 3 दिन में सीख लेंगे। और 3 दिन में सीखने के बाद हम उसको रोज करना शुरू कर लेंगे, और रोज करते करते हम अपने घर की एनर्जी को चेंज करना शुरू करेंगे। शरीर में अगर कुछ भी ऊपर नीचे, वो भी सेटिंग होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यहाँ चेंज होगा। रिश्तों में सेटिंग होना शुरू हो जाए, एवरीथिंग विल चेंज बाय ओनली चेंजिंग वन थिंग। दिस इज द सीड, यहाँ से निकलता है जीवन का वृक्ष। बीज को रोज पानी दे दें, वृक्ष पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ लिटिल वाटर टू द सीड। तो 3 दिन के लिए ये 1 घंटे का समय जरूर निकालें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत टाइम है। यस, हमारे पास बहुत टाइम है ना। Be kind to yourself. Be kind to yourself. That is the only way to be kind to others. खुद के साथ ना करे बिना दूसरों के साथ ये किया जा नहीं सकता। और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपनी सृष्टि को संभाल सकेंगे। आपको पता है ना सारे साइंटिस्ट क्या क्या कह रहे हैं हमारी सृष्टि के बारे में। सृष्टि का एग्जिस्टेंस ही रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, हम प्लैनेट के रिसोर्सेज को अब्यूज करते जा रहे हैं, एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं। तो सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, संभालने के लिए भी यहाँ से बटन है। सिर्फ यहाँ यहाँ से करके रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, ग्रीड खत्म नहीं होगा, प्लैनेट के रिसोर्सेज को हम बचा नहीं सकेंगे। वी हैव टू फिनिश आवर ग्रीड। इसीलिए वो कहते हैं प्लैनेट हैज इनफ फॉर आवर नीड्स, बट प्लैनेट डज नॉट हैव फॉर आवर ग्रीड।
तो सृष्टि के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, सृष्टि के रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक वेजिटेरियनियम हो जाए तो हम बहुत सारे रिसोर्सेज बचाते। एक उतना भी चेंज जो करता है वो सृष्टि के बहुत सारे रिसोर्सेज को बचा देता है। पूरी साइंस है फिर तो और आगे बाकी चीजें, हम कितनी चीजें खरीदते रहते हैं तो हम सृष्टि के साथ भी काइंड नहीं हो रहे, सिर्फ अपनी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही। इसलिए सो काइंडनेस हैज टू बिगिन विद ओनली वन नेम आई। चलिए सीधा होकर बैठे, तो कल से हम मेडिटेशन का कोर्स करेंगे सुबह 8 से 9 या फिर सुबह 11 से 12 या फिर शाम को 7 से 8 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इन केस ये 3 दिन नहीं सूट करते हैं तो आप फोन करके कोई भी दिन कोई भी टाइम, इससे ज़्यादा इजी कोई भी दिन कोई भी टाइम, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सो यूज द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर डेस्टिनी। जब हम यहाँ से अभी बाहर उठेंगे 2 मिनट बाद साइलेंस में चलेंगे, जो वाइब्रेशन अभी क्रिएट किए हैं अपने अंदर ये वाइब्रेशन को घर तक लेकर जाएंगे, लेकर जाना चाहिए ना, तो ये हमारा प्रसाद होता है कि हमारी वाइब्रेशन घर जा रही है। साथ साथ जब आप बाहर चलेंगे तो आपको प्रसाद भी मिलेगा। ये वो प्रसाद है जो बहनों ने बहुत प्यार से मेडिटेशन करते हुए आप सबके लिए बनाया है। ये प्रसाद ऐसे ही बनता है कि मेडिटेशन करते हुए आपके लिए प्रसाद बनाया है, तो वो प्रसाद लेते हुए ज़रूर चलेंगे लेकिन बिल्कुल साइलेंस में, और घर पहुँचने तक मौन में रहेंगे। साइलेंस मौन शक्ति बढ़ाता है, रोज भी करके देख सकते हैं, रोज करें सुबह 1 घंटा मौन, सुबह आधा घंटा मौन, विल पावर भी बढ़ती है, सोल पावर भी बढ़ती है। लेकिन आज तो हम यहाँ से घर तक साइलेंस में चलेंगे, हो सकता है, जो सोचो वो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई ओनली नीड टू क्रिएट अ थॉट। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमने सब कुछ जो ऑब्जॉर्व किया वो यहीं का यहीं छूट जाता है, वो हमारी वाइब्रेशन में घर जाना चाहिए। सीधा होकर बैठें और अपने ध्यान को यहाँ लेकर आए, एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ये एनर्जी सेंटर है, यहाँ पे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं कि क्या कर्म करना है। ये इस पूरे शरीर का एनर्जी सेंटर है। ये आत्मा का रहने का स्थान है। तो विजुअलाइज करें इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड point of light, like a little star, एक चमकता हुआ सितारा, मैं pure divine आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हो, प्योरिटी मेरी पर्सनालिटी है, मेरी हर सोच निस्वार्थ है, सेल्फलेस, every thought is forgiving, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मेरा हर शब्द दुआ है, my every word
इस प्लेस से। मेरा हर कर्म सबको सुख देता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I am an angel of God। सबको सुख देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, दुख हरता सुख करता वो फरिश्ता मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। से अपना ध्यान रखना ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज हिम्मत मेरी, अटेंशन मेरा, मदद परमात्मा की। जो संकल्प करते हो वो होना ही है, सिद्ध होना ही है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। साइलेंस में बैठेंगे और जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। फरिश्ते कैसे उठते हैं? बिल्कुल लाइट, प्योर, और घर तक ऐसे ही चलेंगे फरिश्ते। आपकी ये प्योरिटी, ये वाइब्रेशन सबके लिए शक्ति बनेगी। सबसे पीछे की दो लाइन उठेंगी, लास्ट टू रोज एंड फर्स्ट थ्री रोज। सबसे पीछे की दो लाइन और सबसे आगे की तीन लाइनें उठेंगी। बिल्कुल साइलेंस में पीछे की तीन लाइनें और उठेंगी।